बच्चों, क्या हाल चाल आपके? कैसे हैं आप? आज देखो, हम लोग शुरू करेंगे इंडेस वन यानी कि प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। देखो, क्योंकि ये पहला इंडेस है, मैं मानता हूं कि इसके पहले आप लोगों ने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के मुताबिक आपका अकाउंटिंग कैसे होता है, डिस्क्लोजर कैसे होते हैं, किस पॉलिसी को कैसे फॉलो करना है, इनके बारे में आपने प्रॉपर तरीके से स्टडी किया है। हमने अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के मुताबिक आपका जो बैलेंस शीट है वो कैसे आपका बनता है, इक्विटी लायबिलिटी, ये सब कुछ आपने स्टडी किया। ये मान रहा हूँ मैं कि आपने बहुत अच्छा स्टडी किया हुआ है। लेकिन मेरे बच्चे, आज हम लोग शुरू कर रहे हैं बिल्कुल कम्प्लीटली नया इंड एस के अंदर में। वो कंपनीज जो इंड एस को फॉलो करती हैं, या फिर आप सपोज दैट कि उन कंपनीज की बात करो जिस कंपनी को आपने क्रिएट किया है और वो कंपनी इतनी बड़ी हो गई है कि आप उसमें इंडेक्स को फॉलो करना चाहते हैं, तो ऐसी कंपनीज का फाइनेंशियल स्टेटमेंट का प्रेजेंटेशन कैसे होगा, ये हमें इंडेक्स वन और ऑनवर्ड हमें सीखना होगा। मेरे बच्चे, इंडेक्स वन जिसका नाम है प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये बहुत बहुत ही वास्ट आपका इंडेक्स है और इसको हमें स्टडी करना बहुत ही तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे जितने सारे चैप्टर्स आएंगे उनमें इस इंड एस का आपका एप्लीकेशन होगा ही होगा। क्योंकि जितने भी हमारे बैलेंस शीट बनेंगे, जितने भी हमारे स्पिल बनेंगे, हमारे कैश फ्लो जो बनेंगे, उन सबके बारे में इंड एस वन आपको डिस्कस करता है। ध्यान दीजिए, इंड एस वन जिसका नाम है प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर में क्या क्या आएंगे, कुछ भी नहीं देखना इस साइड में, बस सब सुनते चलो। लिखना कब है वो सब मैं बताऊंगा, अभी आपको मेरी बात सुनते चली जानी है। हमारे पढ़ने का वही तरीका होगा, इन डेज जितने भी हम स्टडी करेंगे हर एक चीज को हम पहले प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करेंगे। एक बार जब प्रैक्टिकली समझ में आ गया, उनको समझते समय जितने सारे इंपॉर्टेंट नोट्स आएंगे वो नोट्स लिखाऊंगा, आपको मेरे साथ नोट डाउन करना है। और फिर जब ये कम्प्लीटली प्रैक्टिकली मैं ख़त्म कर दूंगा, तो फिर हमारे इस इंडेक्स में स्टार्टिंग से टिल द एंड में जितने सारे आपके डिस्क्रिप्शंस हैं वो सब अपने आप ख़त्म हो जाएंगे। मैं प्रूफ करूंगा, मैं खुद आपको एक एक चीज़ पढ़ाऊंगा थ्योरी में भी, और देखेंगे कि यार सारी चीज़ें हमारे दिमाग में पहले से बैठ गई है। दो तरीका होता पढ़ाई करने का, एक होता कि पहले पूरी थ्योरी को आप स्टडी कर लो फिर प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने जाओ आप। मुझे वो समझ में नहीं आता कि थ्योरी को पढ़ने के टाइम पे हमारे दिमाग में पता ही नहीं है कि एक्चुअली प्रैक्टिकली वो कैसे अप्लाई होने वाला है। हम लोग क्या करेंगे, पहले उसको प्रैक्टिकली समझेंगे फिर उसको थ्योरी में उसको लॉन्च करेंगे। आपको मजा आएगा, आप एंजॉय करोगे, मेरी बात सुनना। देखो, इंडेक्स वन जो है बच्चे, ये डील करता है प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इंडेक्स वन के मुताबिक पांच चीजें आती हैं, पांच चीजें आपका। एक तो बैलेंस शीट, जो हम लोग बैलेंस शीट जो बनाते हैं उनका। एक इनका आएगा एसपीएल, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस अकाउंट। एक इनका आएगा चेंजेस इन इक्विटी। ये चेंजेस इन इक्विटी क्या होता है ये हम आपको आगे बताएंगे, थोड़ा सा सब्र कीजिए आप यहाँ पे। इनका कैश फ्लो स्टेटमेंट और इनका नोट्स, यानी कि जो एक्सप्लेनेटरी नोट्स होगा जो सबको लेकर आपका होगा, वो किस तरीके से डिस्कस किया जाएगा। आप जानते हैं कि देखो, कोई भी कंपनी जिसका अगर आप कंप्लीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखोगे ना, कोई बड़ी कंपनी का, टाटा, रिलायंस, बिरला, किसी की बात कर लो, जो बड़ी आपकी कंपनीज है, इन कंपनी का अगर आप देखोगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो ये जो चीजें होती है ना बच्चे, ये चीजें मुश्किल से 4 से 5 पेज, 8 पेज, 10 पेज में खत्म हो जाती हैं। लेकिन जो इनके साथ नोट्स होते हैं ना, नोट्स, आपने इसको कैसे बनाया, क्या क्या पॉलिसी डिस्क्लोज किया, कैसे कैसे डिस्क्लोज किया, क्या क्या चीजें फॉलो किया, ये जो नोट्स होता है वो 150-200 पेज, यानी कि 150-200 पेज तक भी जाते हैं, और तब जाके कंप्लीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनता है। इंडेक्स वन आपको ये बताएगा कि इनका, यानी कि इन चीजों का जो प्रेजेंटेशन होगा वो किस तरीके से होगा। अगर मैं कंपेयर करूं अपना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में एस वन के साथ, एस वन क्या था, डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज, तो मेरे बच्चे ये हमारा इंड एस वन जो है वो एस वन से कहीं कहीं ज्यादा वास्ट है। एस वन में अगर मैं आपको याद दिलाऊं तो अकाउंटिंग पॉलिसीज क्या होते हैं, उनको कैसे डिस्क्लोज करना है, एक जगह डिस्क्लोज करना है, आपका फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन क्या था, गोइंग कंसर्न अगर अफेक्टेड हुआ तो क्या करेंगे, नोट्स का मतलब क्या होता है, इन सब बातों को बड़े आराम से वहां पर समझाया गया था। मेरे बच्चे, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वन के अंदर में आपका बैलेंस शीट का फॉर्मेट कैसे होगा, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस अकाउंट का फॉर्मेट कैसा होगा, कैश फ्लो का फॉर्मेट कैसा होगा, नोट्स में कैसे कैसे चीजें दिखाई जाएंगी, कितने बैलेंस शीट के बनने हैं, कितने पीरियड्स के बनने, इनका बहुत ज्यादा डिटेल डिस्कशन नहीं था। इंडेक्स वन क्या करेगा, बहुत ज्यादा एडवांस, बहुत ज्यादा डिस्क्रिप्टिव एज कंपेयर टू एस वन है।
इसमें कई नई नई बातें ऐड की गई हैं जो धीरे धीरे प्रैक्टिकली मैं आपको आगे समझाऊंगा। अभी की बात अगर मैं बात करूं, अगर कोई बोलता है कि जरा बताओ इंड एस वन में और एस वन में ज्यादा कंप्रिहेंसिव कौन है, तो आप कहना इंड एस वन, और इसको प्रूफ करना पूरे इंड एस को पढ़ने के बाद। इंडेक्स वन के मुताबिक जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं उनमें कौन कौन सी चीजें होती है, क्या क्या उसमें कंप्राइजेज है, तो मेरे बच्चे पांच बातें वो मैंने यहां पे लिखा हुआ है कि देखो जी, अ कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंप्राइजेज बैलेंस शीट एट द एंड ऑफ ईयर, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस अकाउंट, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी कैसे बनता है हम आगे डिस्कस करेंगे इसको प्रैक्टिकली भी, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो फॉर द पीरियड आपका, एंड नोट्स जिसमें कि आपका सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज या कोई और भी इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन आप देना चाहते हो उनको आपने डिस्क्लोज किया, ये सब मिलके फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनता है एज पर इंडेक्स वन। मेरे प्यारे बच्चों, इसमें से पहले शुरुआत आज हम करेंगे पहले बैलेंस शीट के बारे में। बहुत ध्यान से इनके द्वारा यानी कि इंडेक्स वन के मुताबिक बैलेंस शीट कैसे बनता है, क्या डिस्क्लोजर क्या प्रेजेंटेशन हम उनके बारे में स्टडी करेंगे। एक बात आपको बताना चाहता हूं, ध्यान से मेरी बात सुनना। अगर मैं इंडेक्स वन की बात करूं ना, तो पता इन्होंने क्या किया है, इन्होंने ये तो बताया है कि देखो जी बैलेंस शीट जो बनेगा इनका, ध्यान से मेरी बात सुनना और थोड़ा सा इमेजिनेशन में आना जैसे जैसे बोलूंगा। इंडेक्स वन के मुताबिक कहा गया है कि बैलेंस शीट जो बनेगा उस बैलेंस शीट में इंफॉर्मेशन दो पार्ट में डिवाइडेड होंगे, नॉन करंट एंड करंट, मतलब जितने भी आपके एसेट्स है लाइबिलिटी है उनको नॉन करंट एसेट्स नॉन करंट लाइबिलिटी सॉरी नॉन करंट एसेट्स करंट एसेट्स नॉन करंट लाइबिलिटी करंट लाइबिलिटी के बीच में दिखाइए, जैसे हम आपका एस में क्या करते थे। इन्होंने फिर यह भी बताया हुआ है कि आप जब यहां पे आइटम्स का क्लासिफिकेशन करोगे तो ये जो आपका तरीका था नॉन करंट और करंट, इसके अंदर में जो आइटम्स होंगे वो कौन कौन से दिखाने हैं, उन्होंने ये बात कहा हुआ है। मेरे बच्चे ध्यान से मेरी बात दोबारा सुनना, इंडेक्स वन ने आपको बताया कि मेरा जो बैलेंस शीट बनेगा वो नॉन करंट और करंट के बीच में बनेगा, कुछ एक्सेप्शन जो बाद में बात करेंगे नॉन करंट एंड करंट को क्लासिफाई करते हुए। उन्होंने यह भी कहा है कि देखो जी इस बैलेंस शीट में ये वो मिनिमम चीजें हैं, मिनिमम कंटेंट जो आपको शो करना है, मिनिमम कंटेंट। उन्होंने कुछ नाम दिया कि जैसे कि मतलब मेरे बैलेंस शीट में देखो जी आप जब लायबिलिटी साइड में आओगे तो शेयर कैपिटल के बारे में बताओगे, रिजर्व सरप्लस के बारे में बताओगे, मतलब मिनिमम कंटेंट यानी कि उस बैलेंस शीट के फेस पे क्या क्या दिखना चाहिए। नॉन करंट लायबिलिटी होगा, करंट लायबिलिटी होगा, आपका नॉन करंट लायबिलिटी में कुछ नाम उन्होंने बताया कि ये सब नाम होगा उन्होंने बताया। उन्होंने ये भी बताया कि जो एसेट साइड होगा उसका दो क्लासिफिकेशन होगा आपके, उनके अंदर में भी जी कुछ मिनिमम बातें जो आपको दिखाना है, जैसे कि प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट दिखाना है, इनटेंजिबल एसेट्स दिखाना है, कुछ फाइनेंशियल एसेट्स फाइनेंशियल लायबिलिटी का नाम उन्होंने लिया है क्या हम आगे चर्चा करेंगे, इन सबको दिखाना है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, इंड एस वन ने आपको कंप्लीट एग्जैक्ट जो फॉर्मेट होगा ना बैलेंस शीट का, ये उन्होंने आपको नहीं बताया, उन्होंने बैलेंस शीट का फॉर्मेट नहीं दिया। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि भैया आपको प्रेजेंटेशन जो होगा वो इस तरीके के डिवीजन से होगा, इसमें इन इन मिनिमम नाम को कुछ आइटम्स बताया जो आगे मैं डिस्कस करूंगा इसके अंदर में, कि इन इन नाम को एटलीस्ट उसके अंदर दिखाना, एटलीस्ट उससे ज्यादा दिखा दो नाम हमें कोई दिक्कत नहीं है, एटलीस्ट ये नाम तो होने चाहिए, है ना। तो उन्होंने इन सब बातों किया, लेकिन मेरे बच्चे बैलेंस शीट का एग्जैक्ट फॉर्मेट क्या होगा उन्होंने नहीं बताया, किसने, इंडेक्स वन ने। अब यहां पे परेशानी बढ़ गई। अब हुआ क्या कि जब आप सोचो एक अगर प्रिस्क्राइब फॉर्मेट नहीं होगा किसी चीज को प्रेजेंट करने का, फिर तो लोग अपने अपने मुताबिक करना शुरू कर देंगे, और उसके से फिर कंपैरिजन कैसे होगा जी, एक कंपनी दूसरे कंपनी से अपने आप को कंपेयर कैसे कर पाएगी, फिर तो दिक्कत आएगी। इसी दिक्कत से बचने के लिए मेरे बच्चे ICAI ने ICAI इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया और प्लस MCA मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, उन्होंने क्या किया, इनको सम्मान देते हुए इन्होंने जो मिनिमम बातें बताई थी कि बैलेंस शीट में ये मिनिमम बातें तो एटलीस्ट होनी चाहिए, उन्होंने क्या किया उसको एक तरीका दिया, एक प्रेजेंटेशन दिया, एक फॉर्मेट दिया, और कहा कि देखो हमारा जो बैलेंस शीट बनेगा वो आप इस फॉर्मेट में बनाना। वो बैलेंस शीट का क्या फॉर्मेट था कैसे था हम उसके बारे में डिस्कशन करेंगे, लेकिन देखो मैंने इसके लिए क्या लिखा हुआ है, प्रेजेंटेशन ऑफ बैलेंस शीट के बारे में ये सारी बातें मैंने आपको आपकी बुक में दिया हुआ है। जब हम ये पूरे एस को प्रैक्टिकली खत्म कर लेंगे तो इसको आपके बुक से हम एक एक थ्योरी को स्टडी करेंगे और आपका दिमाग फटाफट पता क्या बोलेगा, अरे हाँ ये तो मैं जानता हूं। अच्छा जैसे वो चीज पढ़ोगे उसका पिक्चर आपके दिमाग में आना शुरू हो जाएगा, लेकिन उसके पहले मेरी बात सुनो कि जब प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट होगा तो कहते हैं एन एंटिटी
shall present the balance sheet by classifying assets and liabilities into current and non-current category. Do part mein classify karna, kaise main practically aapko dikhaunga. The standard does not specify the order of presentation or format to be used, but prescribes only certain minimum items. Unhone kya kiya mere bache, is format ne आपको जो ऑर्डर ऑफ प्रेजेंटेशन होगा पहले क्या दिखाना है, जैसे इन्होंने कह दिया कि नॉन करंट एसेट्स होगा. अब नॉन करंट एसेट्स के अंदर में पहले क्या होगा, फिर क्या आएगा, फिर क्या आएगा, इनके बारे में कोई इनका डिस्कशन नहीं है. ये बस बोल दिया कि भैया ये दो पार्ट में दिखा देना और कुछ मिनिमम कंटेंट के नाम ले लिए, जो नाम मैं आपको आगे बताऊंगा, और बोला कि आप बना लेना जैसे बनाना होगा. लेकिन मेरे बच्चे इन दोनों ने क्या किया, मिलके एफर्ट उठाया और उनके मिनिमम कंटेंट को इकट्ठा करते हुए आगे बात की. कहता है द स्टैंडर्ड डज नॉट स्पेसिफाई ऑर्डर ऑफ प्रेजेंटेशन और फॉर्मेट टू बी यूज. फॉर्मेट क्या होगा, कुछ नहीं. ऑर्डर कैसे होगा, कुछ नहीं. बट कहता है कि बट प्रिस्क्राइब्स ओनली सर्टेन मिनिमम आइटम्स, कुछ मिनिमम आइटम्स जो आपको दिखाना है दिखाना है, जैसे कि प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, इनटेंजिबल एसेट्स, फाइनेंशियल एसेट्स, फाइनेंशियल लायबिलिटी एंड सो ऑन. बहुत सारी बातें होंगी जो हम आगे डिस्कशन करेंगे, बस उन्होंने इतना बता दिया. और फिर यहाँ पे कहता है कि लेकिन ICAI एंड MCA टुगेदर दे हैव गिवन फॉर्मेट फॉर द प्रेजेंटेशन. उन्होंने एक फॉर्मेट दिया है कि इस फॉर्मेट में आपको काम करना है. मेरी बात समझ में आ रही है, तो आपके दिमाग में बात बैठ जाए. अगर मान लो कोई आप बाहर गए और कोई दोस्त या कोई दुश्मन या कोई भी आपसे मिलता है, बोलता है कि जरा बताओ इन डेज वन के मुताबिक फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट क्या है, बोलना कि कोई फॉर्मेट है ही नहीं. अरे उन्होंने सिर्फ इतना कह दिया कि एसेट्स का क्लासिफिकेशन दो पार्ट में होगा, लायबिलिटी का क्लासिफिकेशन दो पार्ट में होगा, मिनिमम कंटेंट और क्या क्या होगा वो बताया, लेकिन फॉर्मेट नहीं दिया. तो फिर पूछ दे कोई कि फॉर्मेट किसने दिया है, तो बोलना कि दो लोगों ने मिलकर एक साथ मिलकर उन्होंने फॉर्मेट बनाया ICAI प्लस MCA के द्वारा. आओ जरा वो फॉर्मेट क्या है, वो कैसे काम करता है, उसका मैं डिस्कशन करता हूं. ठीक है ना, मैं पहले आपको बचपन की याद दिला दूं. आप याद करो जब आप एस को पढ़ा करते थे और फिर आप जब बैलेंस शीट बनाते थे बचपन में, तो आप क्या लिखा करते थे. पहले शुरुआत इक्विटी एंड लायबिलिटी के साथ होता था. दो मिनट सुन लीजिए मेरी बात, इसकी कॉपी नहीं करना, ये बस आपके लिए मैंने रखा हुआ है. ये इक्विटी लायबिलिटी के साथ शुरुआत होता था. शेयर होल्डर्स फंड आपका पहला हेडिंग, शेयर कैपिटल रिजर्व सरप्लस मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट. फिर आपका सेकंड हेडिंग होता था शेयर एप्लीकेशन पेंडिंग अलॉटमेंट. थर्ड नॉन करंट लायबिलिटी, जिसमें लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, डेफर टैक्स लायबिलिटी, नेट अदर नॉन करंट लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म प्रोविजन, फिर करंट लायबिलिटी में शॉर्ट टर्म, ये सारी बातें होती थी. पढ़ के भी क्या फायदा, मुझे पता है कि अब आप मास्टर हो चुके हैं और आपको ये सब कुछ आता है. देखो मेरी मेहनत और आपकी मेहनत तब रंग लाएगी जब इंड एस वन के मुताबिक जो हम बैलेंस शीट बनाएंगे और उस बैलेंस शीट के अंदर में भी एक एक आइटम जिसमें आप मास्टर्ड हैं यहाँ पे एस के मुताबिक, वहां पे भी आप लिखना सीख लें. मैंने बिल्कुल बुक को आपका उसी तरीके से डेवलप किया हुआ है. तरह तरह के पॉइंट्स डाले, तरह तरह के आपके क्वेश्चंस जिसमें कि आप इसकी मास्टरी करेंगे. तो आओ जरा मैं पहले काम करता हूँ, आपको एक बैलेंस शीट देता हूँ, बैलेंस शीट का फॉर्मेट. और हाँ, मैंने कुछ अच्छे पॉइंट्स बनाए हुए, आप लिखेंगे फिर हम बुक से उसकी चर्चा करेंगे. अब ये बैलेंस शीट कैसे बनेगा आपका इंड एस वन के मुताबिक, हम उसके बारे में स्टडी करते हैं. ध्यान दीजिए, पहले आपको याद होगा ये जो बैलेंस शीट होता था ना बच्चे, सेक्शन 129 याद आपको, ये सर. शेड्यूल 3 ये सर, पार्ट 1 एंड डिवीजन 1. ये डिवीजन 1 शायद बहुत कम बच्चे उसको जानते थे कि ये डिवीजन 1 होता था आपका इसके अंदर में. मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे डिवीजन 1 के अंदर में इंडियन गैप यानी कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के मुताबिक जो बैलेंस शीट है वो है, और इसी सेक्शन के अंदर में आपका डिवीजन 2 जो है, डिवीजन 2 उसमें इंड एस के मुताबिक बैलेंस शीट कैसा होगा, एमसीए ने आपको प्रेजेंटेशन दिया हुआ है. तो आप जरा मैं शुरुआत करूं, लिखिए मेरे साथ, आप बिल्कुल नया पेज लेंगे और आप देखेंगे उसके मुताबिक यहाँ पे बैलेंस शीट कैसे होता है, फिर एक एक नाम का स्टडी बनाएंगे मेरे साथ. यहाँ पे लिखिए बैलेंस शीट है ना आपका, मान लो ऑफ एक्स लिमिटेड, कोई कंपनी आपका एक्स लिमिटेड है, एज ऑन जो डेटेड आपका होगा उसका आपका, ठीक है ना, उस डेट को. और ये मैं लिख देता हूं ताकि हो सकता है कि आपसे एग्जाम में पूछ दे, तो क्या बोलेंगे, सेक्शन 129 शेड्यूल 3 डिवीजन. यहां पे डिवीजन कौन सा है, डिवीजन 2 आपका. वहां कौन सा था बच्चे, डिवीजन 1 था आपका, तो ये डिवीजन 2 एंड पार्ट 1
पार्ट वन जिसमें फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट है एंड पार्ट टू जैसे आपका जो एसपी है वो। तो मैं इनके शुरुआत करता हूं और आप ये लीजिए, आप यहां पे क्या करेंगे, इसमें भी दो कॉलम रेडी करेंगे आप, दो कॉलम जैसे हमारा वहां पे होता था उसी तरीके से यहां पर भी है मेरे बच्चे। दो कॉलम का मतलब कि एक आपका करंट ईयर का जो इन्फॉर्मेशन है, करंट ईयर का, और इसका कंपैरिजन किया जाएगा आपका प्रीवियस ईयर के साथ, प्रीवियस ईयर के साथ आपका उसका कंपैरिजन किया जाएगा। तो एक्चुअली मुझे बहुत बड़ा बैलेंस शीट बनाना, इसलिए मैंने क्या किया यहाँ पे जगह ले लिया आपसे, ठीक है ना। और नो डाउट कि जैसे पहले होता था उसी तरीके से यहाँ भी आपका नोट नंबर, यानी कि हम उनके डिटेल्स को नोट्स में दिखाएंगे, उनका नंबर यहाँ पे पुट करना। तो नोट करंट ईयर का इन्फॉर्मेशन एंड प्रीवियस ईयर का, शुरू करते हैं यहाँ पे। देखो वहां पे आप पहले शुरुआत करते थे इक्विटी एंड लायबिलिटी के साथ, अगर आपको याद हो मेरे बच्चे, यहां पे शुरुआत एसेट्स के साथ किया गया है। यानी कि आपका यहां पे क्या होगा, जो हम बैलेंस शीट में आपका प्रेजेंटेशन करेंगे इंडेक्स वन के मुताबिक, यहां पे शुरुआत लायबिलिटी साइड से नहीं एसेट साइड से होगा, और एसेट्स में नंबर वन लिखेंगे आप यहां पे नॉन करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स, है ना, लिखिए मेरे साथ नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स के अंदर में आप यहां पे पहला लिखेंगे आपका नंबर ए प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, प्रॉपर्टी प्लांट प्लांट एंड इक्विपमेंट, साथ साथ लिखना बच्चे, क्योंकि एक्चुअली ये फॉर्मेट जो है ना, मैं आपको आपके नोट बुक में भी मैंने दिया हुआ है, लेकिन बुक में आप देखकर आपको फायदा नहीं होगा जब तक कि हम इसका बहुत अच्छी तरीके से मेहनत ना कर लें कि इसमें कैसे बनना है, ये हाथ आपका बैठना चाहिए। तो आइए नॉन करंट एसेट्स में प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट नंबर ए आपका हो गया। बी में आप लिखेंगे यहां पे कैपिटल डब्ल्यू आई पी, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, यानी कि कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, और लिखते समय मेरे शब्दों को भी ध्यान से सुनते रहना। एक्चुअली इसका मतलब हो गया कोई प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट यानी कि फिक्स्ड एसेट्स आप बना रहे हो और वो अभी मान लो इन प्रोसेस है, तो हम कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस का नाम देते हैं। सी में यहां पे लिखेंगे आप इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का मतलब होता है लैंड बिल्डिंग या सिर्फ लैंड या बिल्डिंग जिसमें आपने इन्वेस्टमेंट किया है फॉर एप्रिसिएशन या फिर रेंटल अर्न करने के लिए फॉर ए लॉन्ग टर्म पर्पस, नो डाउट, क्योंकि आप जो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी यानी कि लैंड बिल्डिंग में इन्वेस्टमेंट करते हो वो लंबे समय के लिए करते हैं मेरे बच्चे। तो ये जो आपका इंडेक्स वन के द्वारा बैलेंस शीट है वो कहता है कि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को अलग से आपने डिस्क्लोज करना है। सी, उसके बाद लिखेंगे आप यहाँ पे डी गुडविल, लिखेंगे आप यहां पे गुडविल, और ई में आप यहां पे देखेंगे लिखेंगे आप यहां पे इनटेंजिबल, इनटेंजिबल या फिर ऐसे लिखिए अदर इनटेंजिबल, क्योंकि गुडविल तो ऊपर चला गया, अदर इनटेंजिबल एसेट, अदर इनटेंजिबल एसेट्स। अगर आप उनके बैलेंस शीट को और इनके बैलेंस शीट को ध्यान देखें तो इन्होंने क्या किया था जी, जितने भी आपके गुडविल हैं इंटेंजिबल एसेट्स से सबको यहाँ पे इकट्ठा दिखाया था इंटेंजिबल में। ये कहते हैं कि नहीं, आप एक काम करो, हमें और क्लियर कट प्रेजेंटेशन देना है, गुडविल को आप अलग दिखाओ, अदर इंटेंजिबल एसेट्स को अलग, और एफ में आप यहां लिखेंगे जी अगर कोई इंटेंजिबल एसेट, इंटेंजिबल एसेट, एसेट अंडर डेवलपमेंट है, अंडर डेवलपमेंट मतलब कोई अगर ऐसा आपका जैसे कोई सॉफ्टवेयर है आप बना रहे हो और अभी वो आधा कंप्लीट आधा नहीं कंप्लीट है तो वो अंडर डेवलपमेंट में चला जाएगा। उन्होंने भी इनटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट की बात की थी, यहां पे भी आपका निकल के आता है। आप देख सकते हैं कि वहां से ज्यादा यहां पर डिस्क्लोजर आपका हो रहा है। हमने एक नाम बढ़ाया जी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का, गुडविल मतलब इनटेंजिबल को भी दो पार्ट में डिवाइड किया, बट अभी क्या फर्क पड़ता है, हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद जी में आप लिखेंगे अगला, वो कहते हैं कि बायोलॉजिकल, बायोलॉजिकल प्लांट, बायोलॉजिकल प्लांट, कहता है कि अदर देन, अदर देन, अदर देन बियरर प्लांट, बियरर प्लांट, अदर देन बियरर प्लांट। देखो ये कहता है कि बायोलॉजिकल प्लांट अदर देन बियरर प्लांट, बियरर प्लांट का मतलब हम लोगों ने सीखा हुआ पहले आपका, मतलब ऐसा प्लांट जिसपे कि फल लगते हैं, है ना बच्चे, जैसे कि आपका आम का पेड़ हो गया। तो ये जो आम का पेड़ है यानी कि जो आपका बियरर प्लांट है वो बियरर प्लांट आपका यहाँ पे प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट के अंदर शो होता है, वो आपका प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में जाता है बच्चे। तो जितने भी बाकी प्लांट आपके ना बियरर प्लांट को छोड़ के, लाइक जैसे कि बायोलॉजिकल प्लांट में जैसे आपके लिविंग एनिमल्स हो गए
वो इसमें कवर किए जाएंगे। बाकी जैसे शीशम का पेड़ आपका हो गया, अगर कुछ आपने ऐसा बना के सेट्स ग्रुप में रखा हुआ है तो सब कुछ आपका क्या होगा जी, इसमें कवर किया जाएगा। बायोलॉजिकल प्लांट अदर देन बेयरर प्लांट, बेयरर प्लांट कहाँ चला गया, पीपीई के अंदर में, बाकी सब कुछ आपका यहाँ जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद आप लिखेंगे ध्यान से एच नंबर में, यहाँ पे कहता है फाइनेंशियल एसेट्स, फाइनेंशियल एसेट्स है ना, फाइनेंशियल एसेट्स आपका, फाइनेंशियल एसेट्स के अंदर में लिखेंगे सब हेडिंग के अंदर आपका नंबर वन यहां पे इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट। आपको मेरी बात सुनते चले जाना, कौन कौन से नाम में क्या क्या आइटम्स आएंगे सब लिखवाऊंगा, सब आपको बताऊंगा, बस ध्यान से मेरी बात सुनना। फाइनेंशियल एसेट्स में एक आ गया आपका यहां पे इन्वेस्टमेंट्स, फिर लिखेंगे नंबर टू के अंदर में आपका यहां पे, नंबर टू के अंदर में ट्रेड रिसीवेबल्स, ट्रेड रिसीवेबल्स यहां लिखेंगे आप ट्रेड रिसीवेबल्स। थर्ड में सर ट्रेड रिसीवेबल ये तो नॉन करंट एसेट्स है, लिखो तो पहले आप नॉन करंट में ही, फाइनेंशियल एसेट्स में इन्वेस्टमेंट हो गया, ट्रेड रिसीवेबल हो गया, लोन्स आपके हो गए, लोन्स, लोन्स। फोर्थ लिखेंगे आप यहां पे अदर्स, कुछ और भी अगर हुआ तो वो भी लिखा जाएगा। सर फाइनेंशियल एसेट्स क्या होते हैं, सब्र करो, लिखो पहले आप यहां पे आई, लिखेंगे आप यहां पे आई, जब ये इंडेक्स खत्म होगा सब कुछ पता रहेगा आपका। कहता है डेफर्ड, डेफर्ड टैक्स, डेफर्ड टैक्स एसेट्स, और ये आपका नेट रहा, नेट है ना, जैसे पहले नेट होता था आपका। फिर जे में लिखेंगे आप यहां पे, जे में लिखेंगे आप जी, कहता है कि अदर नॉन करंट एसेट, अदर, अदर नॉन करंट, अदर नॉन करंट एसेट्स, ये हमारा हो गया आपका टोटल नॉन करंट एसेट्स के अंदर में। एक्चुअली जगह थोड़ी कम हो रही है क्योंकि अभी बहुत सारी बातें करंट में भी आना है और मैं चाहता हूँ उधर लायबिलिटी की बातें लिखूंगा, तो मैं इसको थोड़ा सा शॉर्ट करके आ जाता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो, ठीक है ना। ये मैंने शॉर्ट कर दिया बच्चे अभी ताकि जगह प्रॉपर तरीके से हो जाए। मैं चाहता हूँ कि एसेट्स हमारे एक साथ दिखे, लायबिलिटी हमारे एक साथ दिखे। तो ये एसेट्स का टोटल आपका हो गया, जिसको माफ कीजिए, सॉरी अभी टोटल नहीं है, थोड़ा जोश में आ गया था मैं, अभी तो करंट एसेट्स की बातें होनी बाकी है तो हम इसको टोटल नहीं कहेंगे अभी। मैं अब चलता हूं आपके करंट एसेट्स के अंदर में। अब जरा आ जाओ, लिखो यहां पे नंबर टू। सर इसको जरा समझा दो ना, ये क्या था, आपने इन्वेस्टमेंट ट्रेड रिसीवेबल यहां लिखा, ठहर जाओ पहले लिखो यहां पे नंबर टू करंट एसेट्स, करंट एसेट्स। एक चीज तो मुझे अच्छा लग रहा है कि यहां पे जो जैसे पहले आपका एसेट्स दो पार्ट में डिवाइड होता था ना, नॉन करंट और करंट, उसी तरीके कुछ सबहेडिंग्स चेंज हुए, कुछ नए जो आपका डिस्क्लोजर है बैलेंस शीट के अंदर में वो हमें दिख रहा है, और तो कुछ खास नहीं है। करंट एसेट्स के अंदर में आप लिखेंगे नंबर ए में पहले आपका यहाँ पे इन्वेंट्रीज, इन्वेंट्रीज, इन्वेंट्रीज आपका हो गया। फिर आप लिखेंगे बी में यहाँ पे फाइनेंशियल एसेट्स, फाइनेंशियल एसेट्स, आप देखो फाइनेंशियल एसेट्स यहां भी था, यहां भी आ रहा है, और इसमें भी लिखेंगे नंबर वन में आपका इन्वेस्टमेंट्स, इन्वेस्टमेंट्स नंबर वन में आपने इन्वेस्टमेंट्स लिखा। नंबर टू में आप ध्यान दो यहां भी आएंगे ट्रेड रिसीवेबल्स। सर दोनों जगह, यस, लिखो यहां पे ट्रेड रिसीवेबल। थर्ड में आप यहां लिखेंगे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ये बिल्कुल वही है आपका कैश, जो कैश है या कैश में कन्वर्टेबल है, जनरली कैश बैंक हो गया और कोई भी ऐसा मार्केटेबल सिक्योरिटीज जो 3 महीने के अंदर में रेडली कन्वर्टेबल इनटू कैश है, वो सब यहाँ पे चले गए, ठीक है ना। फिर लिखेंगे यहाँ पे फोर्थ में आपका बैंक बैलेंस, बैंक बैलेंस अदर देन, अदर देन आपका पॉइंट थ्री कर देता हूँ मैं, मतलब पॉइंट थ्री में आपने जो यहाँ पे दिखाया है इसके सिवा सर कौन आएगा, लिखो तो पहले आप, देखो ना कितना मजा आएगा आपको समझने में। फिर आप यहाँ लिखेंगे जी फिफ्थ नंबर में आपका लोन्स, लोन्स यहाँ भी लोन्स था ना, यस लोन्स। और फिर आप सिक्स में लिखेंगे आप यहाँ पे सिक्स में अदर्स, कुछ और भी अगर होते हैं तो वो भी हम देख लेंगे आपको यहाँ पे, ठीक है ना सिक्स। इसके बाद सी में आप लिखेंगे यहाँ पे सी के अंदर में करंट टैक्स, ये एक नया नाम आपको दिख रहा है करंट टैक्स एसेट, करंट टैक्स एसेट, ठीक है ना। और यहां भी ब्रैकेट में नेट,
ठीक है, मतलब ये करंट एसेट्स के अंदर में एक तो इन्वेंट्री हो गया, दूसरा फाइनेंशियल एसेट्स और तीसरा हो गया करंट टैक्स एसेट्स। फिर आप यहाँ पे डी में लिखेंगे, आप यहाँ पे डी के अंदर में आप लिखेंगे अदर करंट एसेट्स, कुछ और भी होगा अगर हो गया तो अदर करंट एसेट्स आपका, अदर करंट एसेट्स, ठीक है ना। और इसके बाद आपके एक दो, अब एक तीसरी हेडिंग यहाँ पे और ऐड हो चुकी है, वो है जी लिखेंगे आप नॉन करंट एसेट्स हेल्ड फॉर सेल, नॉन करंट एसेट्स हेल्ड फॉर सेल, आगे ब्रैकेट में एज पर इंड एस 105, ये क्या है हम 105 पे देखेंगे। और फिर मेरे बच्चे यहाँ पे आप क्लोज करके लिखेंगे टोटल एंड दिस इज ए, मतलब जितने भी हमारे एसेट्स है इनका टोटल, कोई डाउट इसके अंदर में? नहीं सर। सर बहुत सारी बातें समझ में नहीं आई, बस छोड़ दो मैं सबको समझाऊंगा। पहले काम करो आप ना बैलेंस शीट का अगला पार्ट, यानी कि आप आई जाना मेरे साथ लायबिलिटी साइड में, फिर उसके बाद चर्चा करेंगे। मेरे बच्चे मैं तो क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है, आपको इसी के बाद, ये देखो जहाँ पे ये खत्म हुआ ना, इसके बाद ही आपका लायबिलिटी शुरू हो जाता है, तो मेरे पास जगह नहीं है इसलिए मैं उसको दूसरे पेज पर लिख रहा हूँ। अगर आपके पास भी जगह नहीं है तो कोई बात नहीं, आप भी क्या करो यहाँ पे दूसरे पेज पे आ जाओ पूरे फॉर्मेट के साथ। आपको पता है कि हमारा करंट ईयर का प्रेजेंटेशन होता है, करंट ईयर के फिगर्स, और ये हमारा प्रीवियस ईयर का हो गया, प्रीवियस ईयर का, और एक हमने यहाँ पे हेडिंग डाल दिया आपका क्या जी, नोट नंबर, है ना, जिसका डिटेल हम यहाँ पे बताएंगे। देखो लायबिलिटी साइड को इनको ये भी कहते हैं इक्विटी एंड लायबिलिटीज, लिखिए मेरे साथ इक्विटी एंड लायबिलिटीज। हो सकता है थोड़ी सी परेशानी स्टार्टिंग में आपको हो, बट क्लास को बहुत आराम से चलने देना माइंड ओपन करके, इससे क्या होगा जब चैप्टर ये एंड होगा ना, बिलीव कीजिए एक एक कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएंगे अपने आप। पहले आप लिखें यहाँ पे इक्विटी लायबिलिटीज, इसके अंदर में आप क्या करेंगे, पहले नंबर वन लिखेंगे आप यहाँ पे इक्विटी लायबिलिटी के अंदर में इक्विटी, इक्विटी मतलब यहाँ थोड़ा सा चेंज हो गया। आप देखो पहले यहाँ पे क्या था जी, शेयरहोल्डर्स फंड होता था ना, तो यहाँ पे इक्विटी आ गया। मजे की बात है इक्विटी के अंदर में नंबर ए में यहाँ पे लिखा गया है इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल, ध्यान से यहाँ पे वो इक्विटी शेयर कैपिटल की बात करते हैं, वो शेयर कैपिटल की बात नहीं करते, इक्विटी शेयर कैपिटल। सर इक्विटी का मतलब क्या है? अभी तो आप ये समझ लो जो इक्विटी आपके हैं, मतलब इक्विटी शेयर दो होते हैं ना, इक्विटी और प्रेफरेंस, तो सिर्फ इक्विटी की बात करते हैं, इस पर डिटेल चर्चा बाद में करेंगे। और बी में आप लिखेंगे यहाँ पे कहते हैं अदर इक्विटी, अदर इक्विटी, अदर इक्विटी, मतलब इन्होंने क्या किया कि जो रिजर्व सरप्लस था और मनी रिसीव्स अगेंस्ट शेयर वारंट हटा के उन्होंने नाम क्या लिख दिया, अदर इक्विटी। इसके अंदर क्या क्या आएगा, कैसे वो बात की बात करेंगे, पहले आप लिख लो यहाँ पे। तो पहला हेडिंग आपका इक्विटी का हो गया। अब आता है इसके बाद नंबर टू में, अब इनका शुरू होता है लाइबिलिटीज, है ना, जैसे इनका था ना इक्विटी एंड लाइबिलिटी, तो पहला इक्विटी बता दिया, अब लाइबिलिटी शुरू होता है। लाइबिलिटी के अंदर मेरे बच्चे नंबर वन में लिखो आप यहाँ पे, नंबर वन के अंदर में नॉन करंट लाइबिलिटीज, नॉन करंट लाइबिलिटीज, नॉन करंट लाइबिलिटीज, और नॉन करंट लाइबिलिटीज के अंदर में शुरू कीजिए। पहले लिखेंगे आप नंबर ए, ये ना रोमन में कर दो आप, ठीक रहेगा, ठीक है। नंबर ए लिखेंगे आप फाइनेंशियल लाइबिलिटीज, फाइनेंशियल लाइबिलिटीज, है ना, उधर हमें एक नया नाम मिला था फाइनेंशियल एसेट्स, और यहाँ पे एक नया नाम मिला फाइनेंशियल लाइबिलिटी। इसके अंदर में लिखेंगे आप यहाँ पे, लिखेंगे आप वहाँ पे, इसको ना हटाई देता हूँ यहाँ पे, ठीक है बस इतना, ठीक है। नॉन करंट लाइबिलिटी में नंबर ए में फाइनेंशियल लाइबिलिटी, उसके अंदर लिखिए नंबर वन आपका बोरविंग्स, बोरविंग्स, है ना, नंबर वन आपका हो गया बोरविंग्स। फिर लिखेंगे आप यहाँ पे ट्रेड पेबल, ट्रेड पेबल, सर नॉन करंट में लिखो, तो आपने यहां भी तो पूछ दिया था कि सर ट्रेड रिसीवेबल नॉन करंट में क्यों आएगा, तो लिख लो, झगड़ा जो होगा बाद में देख लेंगे हम लोग यहाँ पे। और फिर तीसरे में लिखेंगे यहाँ पे अदर, अदर फाइनेंशियल, अदर फाइनेंशियल लाइबिलिटीज, अदर फाइनेंशियल लाइबिलिटीज आपको, ठीक है ना। तो नॉन करंट लाइबिलिटी में फाइनेंशियल लाइबिलिटीज हो गया जी, और इसमें तीन नाम बोरविंग, ट्रेड पेबल और दूसरा आपका ये। फिर उसके बाद आप लिखेंगे ए हो गया ये, बी लिखो आप यहाँ पे बी, बी में लिखेंगे प्रोविजंस, प्रोविजंस, ध्यान रहे
प्रोविजंस आपका ये नॉन करंट लायबिलिटी के अंदर आ रहा है ना, ए हो गया, बी हो गया, सी लिखेंगे आप यहां पे, सी नॉन करंट के अंदर में डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी साथ साथ लिखना है मेरे बच्चे। अगर आप सचमुच में कमांड करना चाहते हैं तो आप लिखेंगे नेट, है ना, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी आपका। और डी में आप यहां लिखेंगे, डी के अंदर में अदर नॉन करंट लायबिलिटी, अदर नॉन करंट करंट लायबिलिटीज। सर थोड़ा समझाओ ना डिटेल में, अभी समझाऊंगा, पहले आप लिख लो यहां पे। ये हमारे जो आपके हेडिंग्स हेडिंग्स हो गए लायबिलिटी के अंदर में, नॉन करंट लायबिलिटी और फिर आपका फाइनेंशियल लायबिलिटी एंड सो ऑन, ठीक है ना। इसके बाद आप लिखेंगे यहां पे नॉन के बाद करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज आप लिखेंगे इसके अंदर में नंबर ए। अगेन विल राइट यहां पे फाइनेंशियल लायबिलिटीज, फाइनेंशियल लायबिलिटीज, है ना, करंट लायबिलिटी के अंदर में फाइनेंशियल, और फाइनेंशियल के अंदर में नंबर वन लिखेंगे आप यहां पे अगेन बोरिंग्स, यहां पे भी आपका बोरिंग्स आ गया। यहां पे भी नंबर टू में लिखेंगे आप ट्रेड पेबल था, सेम यहां पे भी ट्रेड पेबल। सर ट्रेड पेबल दोनों जगह लिखो तो पहले, आप सारी बातें समझाऊंगा। आपका एक हो गया बोरिंग्स हो गया, एक हो गया ट्रेड पेबल हो गया जी, फिर आप लिखेंगे अदर फाइनेंशियल लायबिलिटीज नंबर थ्री, अदर फाइनेंशियल लायबिलिटीज, अदर फाइनेंशियल लायबिलिटीज आपका, ठीक है ना। तो नंबर ए हो गया, उसके बाद आप आ जाइए बी के अंदर में, बी के अंदर में आप चेक करो यहां पे आप लिखेंगे अदर अदर करंट लायबिलिटीज, अदर करंट लायबिलिटीज, अदर करंट लायबिलिटीज। सी में आप यहां लिखेंगे अदर करंट लायबिलिटी के बारे में, या फिर मैं एक काम करूं क्या इसी सिक्वेंस लिख दे तो अच्छा रहेगा आपका। ऐसे उन्होंने फॉर्मेट में ये लिखा है, बट कहीं ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं कि ये लिखना हमने, जैसे इन्होंने प्रोविजन लिखा ना तो मैं यहां पर भी प्रोविजन दे देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। प्रोविजन सर मार्क्स कैसे कटेंगे लिखो तो, है ना, वो आपका ये फॉर्मेट में थोड़े कहा कि नंबरिंग आपका बिल्कुल ऐसे रहे, तो हम अपने जैसे याद रहेगा। प्रोविजन बी में, यहां भी प्रोविजन आपका। सी में यहां पे डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी था, यहां पे लिखेंगे आप करंट टैक्स लायबिलिटी, करंट टैक्स लायबिलिटी ब्रैकेट में नेट। सर मतलब लिखो पहले आप, और फिर आप डी में क्या करना, यहां पे था जी अदर नॉन करंट लायबिलिटी ना, तो यहां पे हो जाएगा अदर करंट लायबिलिटी, अदर करंट लायबिलिटीज। सर ये पहले से ज्यादा हौच पुछ नहीं है, नहीं बच्चे इंडेक्स है, आप बहुत बड़ी कंपनी में जाके काम कर रहे हो। मैंने बताया कि इंडेक्स आज के टाइम पे और आगे भी, अभी फिलहाल जो बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज है उन्हीं पर अप्लाई होता है, तो हम यहाँ पे डिस्क्लोजर तो देना ही पड़ेगा, डिटेल्स देना ही पड़ेगा। इसके बाद आपका यहाँ पे थर्ड लिखो, यहाँ पे थर्ड लिखेंगे जैसे यहाँ था ना नॉन करंट एसेट हेल्ड फॉर सेल जो यहाँ पे था, तो लिखेंगे आप लायबिलिटीज, लायबिलिटीज डायरेक्टली एसोसिएटेड, एसोसिएटेड विथ नॉन करंट, नॉन करंट एसेट, एसेट हेल्ड फॉर सेल, हेल्ड फॉर सेल जो लायबिलिटीज आपके हैं, है ना, उनका। और फिर ये टोटल आप कर देंगे यहां पे बी, टोटल आप कर देंगे बी, और ये बैलेंस शीट हमारा लगभग जो अंदर आइटम्स आने वाले हैं हमने उसको एंड किया। सर इसका क्या यूज है मेरे बच्चे, अब मैं उसको मिटा दूंगा, मुझे एक्चुअली जगह भी चाहिए, और बस मैं आपको बताना चाहता था कि देखो जो हमारा अभी एस के मुताबिक हम लोग जो बैलेंस शीट बनाते थे और इंड एस के मुताबिक जो बैलेंस शीट बनेगा उसमें आपको दिखेगा यहाँ पे ज्यादा प्रेजेंटेशन है, ज्यादा डिस्क्लोजर है, इनका स्ट्रक्चर ज्यादा वास्ट है एज कम्पेयर टू इनके। तो मतलब हमें यहाँ पे एक बात पता चलना चाहिए कि एक्चुअली हम पहले क्या कर चुके, अब क्या करें, ताकि कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, ठीक है ना। अब मैं इसको मिटा दूंगा, मुझे इसकी कोई रिक्वायरमेंट एक्चुअली है नहीं, तो मैं इसको मिटा के अब मैं आपको यहाँ पे कुछ समझाना चाहता हूँ। और इसको समझाने के पहले जो नाम एक नया आपको दिख रहा ना, फाइनेंशियल एसेट और फाइनेंशियल लायबिलिटी, ये क्या होता है आपको मेरे साथ थोड़ा सा इसके बारे में लिखना होगा, थोड़ा सा जानना होगा, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, हम यहाँ डिटेल में चर्चा करेंगे, ठीक है ना। आप आओ जरा लिखिए मेरे साथ यहाँ पे नोट नंबर वन, जहां पे बैलेंस शीट एंड हुआ उसके बाद लिखेंगे नोट नंबर वन, लिखना
मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स है ना मेरे बच्चे, ये जो फाइनेंशियल एसेट्स लायबिलिटी है ना, ये इंडेक्स 109 में इनका डिस्कशन किया गया है, इंडेक्स 109। तो जब इंडेक्स 109 पढ़ेंगे हम वहां पर डिटेल इसका डिस्कशन करेंगे। फिलहाल जितनी हमें रिक्वायरमेंट है उसका निचोड़ मैं आपको यहां पे बता रहा हूं ताकि हमें इंडेक्स 1 यानी कि प्रेजेंटेशन तरीके समझ में आए। कहते हैं इट इज अ कॉन्ट्रेक्चुअल, साथ साथ लिखेंगे आप यहां पे, इट इज ए कॉन्ट्रेक्चुअल राइट, अधिकार, इट इज ए कॉन्ट्रेक्चुअल राइट टू रिसीव कैश और अदर फाइनेंशियल एसेट्स। देखो ये कहता है इट इज ए कॉन्ट्रेक्चुअल राइट, मतलब आप इसको अंडरलाइन कर लेंगे। कॉन्ट्रेक्चुअल राइट का मतलब होता है कि एक तो आपके पास राइट यानी कि अधिकार है, कॉन्ट्रेक्चुअल मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट है कि हमें आपसे पैसा या कोई दूसरा फाइनेंशियल एसेट्स रिसीव करना है। मेरे प्यारे बच्चों, जब भी हमारे पास कोई राइट होगा ना किसी से पैसा या कोई दूसरा फाइनेंशियल एसेट्स रिसीव करने का, वो हमारे यहाँ पे फाइनेंशियल एसेट्स में कवर्ड होंगे। आप बोलोगे सर जरा एग्जाम्पल बताओ, तो लिखो मेरे साथ एग्जाम्पल में यहाँ पे, जैसे कि डेटर्स आपके हो गए, डेटर्स के साथ हमारा एक कॉन्ट्रैक्ट है, एक राइट होता है कि हाँ जी आपको जो गुड्स हमने बेचा है उसके बदले में हमें आपको आपसे कैश चाहिए। उसी तरीके से बिल्स रिसीवेबल मेरे बच्चे, ये भी हमारे फाइनेंशियल एसेट्स होते हैं। एक्रूड इनकम, अगर कोई सर्विसेज जो मैं रेंडर कर चुका हूं उसके बदले में मुझे कुछ पैसा आपसे लेना है, वो भी मेरा क्या होगा, आपका यहाँ पे फाइनेंशियल एसेट्स होगा। उसी तरीके से मान लो मैंने कोई इन्वेस्टमेंट किया है इन शेयर्स, किसी दूसरे कंपनी के शेयर्स में, ऑब्लिक बॉन्ड्स में, डिवेंचर्स में, किसी में भी मैंने इन्वेस्टमेंट किया है, रिपीट कर रहा हूं, जो मेरे कंपनी के शेयर से वो फाइनेंशियल एसेट्स लायबिलिटी नहीं होते। मैंने मान लो सीओसी ने क्या किया जी, रिलायंस कंपनी का, विप्रो कंपनी का, टाटा कंपनी का शेयर्स परचेज कर लिया, बॉन्ड्स परचेज कर लिया, गोल्ड परचेज कर लिया, कुछ भी जो मैंने इन्वेस्टमेंट किया है ना, वो आपका यहाँ पे क्या होगा, फाइनेंशियल एसेट्स के अंदर में आएंगे। तो ऐसे बहुत सारे नाम होते हैं, मैं देख लूंगा अभी बहुत सारे नाम आपके साथ रिपीट कराऊंगा, फिलहाल इतना समझ लेना ये हमारे पास आपके हैं, कोई डाउट इसमें नहीं सर। नोट नंबर टू लिखे आप यहां पे कि मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल लायबिलिटी क्या होता है। मेरे बच्चे हमने इंडेक्स 109 के बारे में कहा है, हम वहां पे समझेंगे इसके बारे में डिटेल में, आपका इंडेक्स जो आपका 109 है उनके बारे में कुछ कहता है वो क्या बाद में, मैं ज्यादा नहीं जाता, लिखिए यहाँ पे, अभी तो हमें सिर्फ यहाँ के जो रिक्वायरमेंट उसकी बात करते हैं। कहते हैं इट इज ए कॉन्ट्रेक्चुअल, वहां राइट था ना, यहाँ पे ऑब्लिगेशन है, हमारे पास कोई एक ऑब्लिगेशन है टू पे कैश और अदर फाइनेंशियल एसेट और टू एक्सचेंज अदर फाइनेंशियल एसेट इन lieu ऑफ पेमेंट के बदले में हमने आपको कोई दूसरा फाइनेंशियल एसेट्स में दे दूंगा जी। अगर ऐसा चीज देखे तो बोलना कि भैया फाइनेंशियल लायबिलिटी है। एग्जांपल अगर मुझसे पूछोगे आप यहाँ पे तो मैं आपको बोलूँ जैसे कि आपका बिल्स पेबल, जैसे कि आपका क्रेडिटर्स है ना बच्चे, ये इनके साथ हमारा एक कॉन्ट्रैक्ट है कि भैया हमने आपसे गुड्स परचेज किया तो हम आपको पेमेंट करेंगे, है ना, जो अगर कुछ हमने लिया है तो हम उसके बदले में आपको देंगे। उसी तरीके से आपका यहाँ पे क्या बोलते हैं, बिल्स पेबल हो गया, क्रेडिटर्स हो गया, कुछ और नाम बताओ यहाँ पे, जैसे लोन आपका टेकन, अगर आपने लोन लिया है जी फ्रॉम किससे, चाहे किसी से भी, डायरेक्टर से आपने लिया है, चाहे आपने कस्टमर से लिया है, किसी से भी अगर आपने लोन लिया है तो फिर पेमेंट करना होगा, और अगर पेमेंट करना होगा तो फिर क्या होगा, वो फाइनेंशियल लायबिलिटी आपकी हो जाएगी। यही नहीं, अगर मैं आपसे बात करूं फाइनेंशियल लायबिलिटी में आपका, जैसे डिवेंचर्स हो गया, अगर आपने डिवेंचर्स इशू किए हैं, डिवेंचर्स, तो मेरे बच्चे अगर हमने डिवेंचर्स इशू किए हैं
तो इसका मतलब क्या है कि इसका हमें एक समय के बाद पेमेंट करना है, पेमेंट करना है ना, बोलो ना। हाँ, ये भी हमारा क्या होगा, फाइनेंशियल लाइबिलिटी आपका होगा। डिवेंचर्स अगर हमने इशू किया है कि ठीक है जी 5 ईयर्स के, तो 5 साल बाद उनका पैसा वापस करना होगा। अगर मान लो हमने कोई प्रेफरेंस शेयर्स इशू किया है, प्रेफरेंस शेयर्स कौन से, प्रेफरेंस शेयर्स जो रिडीमेबल है, समझो मेरी बात। यहाँ पे देखो इंडेक्स वन क्या बोलता है, सॉरी 109 में जाने के बाद, रिडीमेबल मतलब वो प्रेफरेंस शेयर्स जिनका पैसा हमें एक समय के बाद वापस करना है। आपको पता है कि हमारी कंट्री में मैक्सिमम 20 ईयर्स के लिए प्रेफरेंस शेयर्स इशू किए जाते हैं, तो दे ऑल आर जनरली रिडीमेबल। अगर वो प्रेफरेंस शेयर्स रिडीमेबल है, उनका पैसा हमें वापस करना है एक टाइम पीरियड के बाद, देयर इज ए कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन, तो नो डाउट कि ये भी हमारा क्या होगा, ये आपका मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल लायबिलिटी, यानी कि फाइनेंशियल लायबिलिटी कवर होगा। इसी तरीके से और नाम लीजिए, अगर एक्रोड इंटरेस्ट, एक्रोड इंटरेस्ट अगर कुछ आपका है, इंटरेस्ट किस पे जी, ऑन डिवेंचर्स पे, डिवेंचर्स पे कोई इंटरेस्ट बकाया है जी आपका, डिवेंचर्स पे इंटरेस्ट बकाया है आपके, क्या बोलते हैं, लोन पे कोई इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग आपका है, ये भी सब क्या होगा, हमारा फाइनेंशियल लायबिलिटी है। और कुछ नाम बताओ ना सर, लो ना डिविडेंड, डिविडेंड अगर आपका पेबल है, जो डिविडेंड पेबल है ना, ये भी हमें क्या करना है, कॉन्ट्रेक्चुअल आपका ऑब्लिगेशन है कि हमें डिविडेंड पे करना है कैश में आपका। उसी तरीके से आपका अनक्लेम्ड डिविडेंड, अनक्लेम्ड आप नाम लो ना, जितने भी नाम लोगे मैं आपको बता दूंगा, अनक्लेम्ड डिविडेंड ये सभी के सभी हमारे क्या है जी, एक्सेट्रा कर देता हूँ, क्योंकि मैं आपके सोचने की शक्ति को स्ट्रॉन्ग करना चाहता हूँ बस, कि कौन कौन से लायबिलिटी आपका फाइनेंशियल लायबिलिटी में कवर्ड होंगे। तो मेरे बच्चे सब के सब आपका, सर यहाँ भी दो तीन नाम दे दो ना, आओ नाम देता हूँ मैं, फिर अगर आपने कहा तो यहाँ और लिख लो जी। अगर हमने लोन लिया नहीं है, गिवन टू, हमने लोन दिया है किसको जी, या तो डायरेक्टर्स को, रिलेटिव्स को, या फिर आपका कस्टमर्स को, किसी को भी हमने लोन अगर दिया है तो वो भी क्या यहीं पे कवर होगा, यहीं पे कवर होगा। तो अब मैं यहाँ पे देता हूँ, हमें लिखते हैं सोचते हैं, हमें कुछ और नाम मैं आपको देता हूँ जहाँ पे सोचना है, और सिर्फ ये बताना कि क्या वो फाइनेंशियल आपका फाइनेंशियल, क्या वो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, इंस्ट्रूमेंट्स है, यस या फिर नो, बस इतना बताना है। कुछ नाम देता हूं मैं, है ना, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का मतलब फाइनेंशियल एसेट्स या फाइनेंशियल लायबिलिटी, आपको बताना कि हाँ ये ना, जैसे कि मैं लिख देता हूं यहां पे जी इन्वेंट्रीज, इन्वेंट्री यानी कि आपका स्टॉक। जरा सोचो मेरे साथ, जैसे जैसे मैं सोचूंगा, अभी दिमाग में इफोर नहीं आएगा, क्या ये जो इन्वेंट्रीज है जो मेरे गोडाउन में पड़ा हुआ है, क्या उस इन्वेंट्री को लेकर किसी के साथ मेरे पास कोई कॉन्ट्रैक्ट है क्या, कि उसके बदले में पैसा लूंगा, बोलो बोलो। अगर वो इन्वेंट्री लॉस्ट हो जाता है, इन्वेंट्री में आग लग जाती है, तो क्या मैं किसी से पैसा लूंगा, नहीं लूंगा, कहां से लूंगा, समझ मेरी बात, वो इन्वेंट्री की बात कर रहा हूं। तो जो इन्वेंट्री आपका, जो कि मेरा अभी मैंने किसी को सेल ही नहीं किया, तो उससे पैसा कैसे ले सकता हूं जी। हमने कहा कि भैया इन्वेंट्री जो है वो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट नहीं है, नहीं है, ठीक है। चलो हमने कहा कि आप मुझे बताओ, चलो ये ठीक है, आप बताइए कि इंश्योरेंस, इंश्योरेंस क्लेम, क्लेम रिसीवेबल, रिसीवेबल, आग लग गई आपके फैक्ट्री में, आपके गोडाउन में, आपके शरीर में, पता नहीं कहां, शरीर नहीं छोड़ दो, मर जाओगे फिर किसको पढ़ाऊंगा, आपके गोडाउन में, फैक्ट्री में, कहीं पे भी आग लग गई, भगवान ना करे बट मान लो लग गई, आपने इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम किया और बोले कि ठीक है हम आपको 5 लाख का पेमेंट करेंगे। ये 5 लाख जो इंश्योरेंस क्लेम जो हमें रिसीव करना है मेरे बच्चे, रिसीवेबल जो हमें रिसीव करना है, क्या ये जो आपका इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल, क्या ये कोई आपका ऐसा है कि इसके बदले में कैश रिसीव करना है, इसके बदले में कैश कुछ मिलेगा? ये सर, जब इंश्योरेंस क्लेम जो होता है वो कंपनी हमें क्या करती है, हमें कैश देती है, देती है मुझे क्लेम के बदले में आपका। तो इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल जो है ये हमारे लिए एक राइट है, कॉन्ट्रेक्चुअल राइट है, इंश्योरेंस इज ए टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये कॉन्ट्रेक्चुअल राइट है टू रिसीव मनी ऑन बिहाफ ऑफ दिस इंश्योरेंस क्लेम। तुम क्या बोलेंगे, ये हमारा यहाँ पे फाइनेंशियल एसेट्स है ना, ये आपका है, ठीक है बच्चे। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का मतलब या तो फाइनेंशियल एसेट्स होगा या लायबिलिटी होगा। ऑब्वियस बात है कि अगर हमें पैसा रिसीव करना है तो हमारे लिए एसेट्स होगा, पे करना तो लायबिलिटी होगा, ठीक है ना। मैं आगे बढ़ता हूँ, थर्ड लिखेंगे आप यहाँ पे, थर्ड आपका कुछ और नाम देता हूँ, प्रीपेड, प्रीपेड मान लो एक्सपेंसेज, प्रीपेड एक्सपेंसेज। जरा सोचो, प्रीपेड एक्सपेंस, अगर कोई एक्सपेंसेज मैंने एडवांस में पे कर दिया है
तो मुझे बताओ कि कॉन्ट्रैक्ट क्या है, आपको कॉन्ट्रैक्ट बताना है कि अगर मान लो रेंट मैंने एडवांस में पे किया हुआ है, तो क्या वो एडवांस पे किया हुआ रेंट मुझे वापस लेना है, क्या वो पैसा वापस लेने का अधिकार मेरे पास कॉन्ट्रैक्ट है, या उसके बदले में सर्विसेज लेने का कॉन्ट्रैक्ट है। बोलो बोलो, मैं अपने मकान मालिक को 5,000 रुपए अगले महीने का रेंट एडवांस में पे कर दिया, तो इस 5,000 के बदले में क्या कॉन्ट्रैक्ट, वो पैसा वापस लेने का या फिर सर्विसेज लेने का? सर सर्विसेज लेने का, कैश का नहीं मेरे बच्चे, कैश का नहीं। तो ये जो प्रीपेड एक्सपेंस है ना, इट्स नॉट ए फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट नहीं है, समझो मेरी बात। मेरे कहने का मतलब है कि भैया अगर आपके पास, सिंपल सी बात है, आंखें बंद करो, अगर उस चीज के बदले में कैश आपको फ्यूचर में लेना है, या कैश आपको फ्यूचर में देना है, या कोई एक्सचेंज इसका होना है, लाइक जैसे डेटर्स का पेमेंट करना है जी, क्रिएटर्स हमारे पास है, हमने कहा कि भैया एक्सचेंज कर लो, कॉमन है, कैंसिल कर दो, वो हमारे फाइनेंशियल एसेट्स होंगे। इसलिए कहा गया था यहाँ पे कि आपका या तो आप पेमेंट कर रहे हो जी कैश में, या फाइनेंशियल एसेट्स को एक्सचेंज कर रहे हो। हमें आपको 10 लाख रुपए का पेमेंट करना था, हमने कहा ये काम करो, कैश नहीं है, मैं आपको ना यहाँ पे मेरे पास कुछ बॉन्ड्स पड़े हैं, मेरे पास इन्वेस्टमेंट, वो मैं आपको दे देता हूँ। तो भी क्योंकि पेमेंट करने का जो आपके पास ऑब्लिगेशन है, इधर इन कैश और अदर फाइनेंशियल एसेट, बात समझ आ रही है? तो यहाँ पे आपका प्रीपेड एक्सपेंस क्या दिखाई दिया जी, हमारा नो, मतलब ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट नहीं है, नहीं है, ठीक है। फोर्थ, तो फिर सर ये है का, देखेंगे, इतने सारे नाम है दिखाने, कहीं ना कहीं तो दिखा देंगे। फिलहाल आप यहाँ पे, मैं इसको ऐसे कर देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो, है ना। हाँ, अगला नाम लेते हैं आपका, जैसे कि एक्रूड इनकम। अगर मान लो कोई एक्रूड इनकम है, फिर एक्रूड इनकम है, फिर मेरे बच्चे एक्रूड इनकम, एक्रूड इनकम का मतलब हो गया कि हमने आपके लिए सर्विसेज रेंडर कर दिया है, उसके बदले में हमें आपसे पैसा लेना है, तो लेना है ना, पैसा मैं लूंगा। अगर पैसा लेने का मेरे पास राइट है, तो फिर क्या हुआ जी, फाइनेंशियल एसेट्स हो गया ये, है ना, समझ मेरी बात। तो एक्रूड इनकम क्या होगा, ये भी आपका फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट आपका होगा, होगा मेरे बच्चे, कोई डाउट इसके अंदर में नहीं सर। पांचवा नाम दे देता हूँ मैं यहाँ पे, पांचवा नाम और नाम कुछ लेते हैं, जैसे कि सिक्योरिटी डिपॉजिट्स। देखो सिक्योरिटी डिपॉजिट्स, अगर मान लो मैंने इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से आपका यहाँ पे कनेक्शन लिया है, और हमने उनको सिक्योरिटी डिपॉजिट्स जमा किया है, या फिर कोई किसी और इलेक्ट्रिसिटी कंपनी से जी, या किसी भी, मान लो मैंने आपका कोई टेलीकम्युनिकेशन कंपनी, उससे मैंने ब्रॉडबैंड लिया, कुछ सिक्योरिटी जमा किया हुआ है, तो क्या सिक्योरिटी वापस लेने के पास राइट नहीं है? है, जब मैंने उनसे कनेक्शन हटा लेना, तो फिर क्या जो सिक्योरिटी मुझे वापस मिल जाएगा, तेरी कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट की भैया इसके बदले में मैं आपसे कैश वापस ले लूंगा, यानी कि ये भी मेरा क्या है जी, आपका फाइनेंशियल एसेट्स है, आप यहाँ पर टिक मार्क करेंगे, ठीक है ना। ऐसे कई सारे नाम, जैसे कि आपका अनअर्न्ड इनकम। समझो, जब तक आपका दिमाग स्ट्रांग नहीं होगा, तब तक आप इसको बहुत प्रॉपर तरीके से नहीं समझ सकते। या तो सारे इंडेक्स पहले पढ़ो और फिर उसके बाद इसमें आओ, तो भी हौच-पौच बना रहेगा दिमाग में। सिंपल तरीका दे रहा हूं, उस तरीके सोचो, बहुत सिंपल है, कुछ खास थोड़े। यहाँ पे हमने कहा अनअर्न्ड इनकम, आपको पता है बचपन में पढ़ा हो अपने, अनअर्न्ड इनकम का मतलब होता है इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। हमने इनकम कोई एडवांस में रिसीव कर लिया, जैसे मान लो मैं आपसे फीस एडवांस में ले लेता हूँ, मुझे बताओ कि जो फीस मैंने आपसे एडवांस में लिया हुआ है, उस पर कॉन्ट्रैक्ट किस चीज का है, उसके बदले में सर्विस देने का या फिर कैश देने का? बोलो बोलो, जो फीस मैंने आपसे एडवांस में लिया हुआ है, उसके बदले में कॉन्ट्रैक्ट क्या है, सर्विस देने का है कैश? सर आप सर्विस दोगे, सर्विस नहीं दिया तो फिर कैश वापस कर दोगे, यहां भी कैश है ना मेरे बच्चे, इफ और मत जाओ, कॉन्ट्रैक्ट बताओ, प्राइमरी कॉन्ट्रैक्ट जो यहां पे मेरे साथ आपका है वो किस चीज का है, टू प्रोवाइड सर्विस, नॉट टू प्रोवाइड कैश, सर्विस प्रोवाइड करना मुझे, तो जो सर्विसेज मुझे प्रोवाइड करना है, ये तो जो अनर्न्ड इनकम है, एडवांस जो इनकम रिसीव किया, इसके बदले मुझे कैश किसी को नहीं देना, सर्विस देना है, फाइनेंशियल लायबिलिटी है, ऑब्लिगेशन है मेरे ऊपर में किसी का सर्विस देने का जी, तो फाइनेंशियल यहां पे क्या होगा, यहाँ पे आपका, माफ कीजिए, ये आपका फाइनेंशियल लायबिलिटी नहीं है मेरे बच्चे, गलत बोल दिया मैंने, माफ कीजिए, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे आपको सर्विसेज देने का मेरे पास राइट है,
मेरे पास ऑब्लिगेशन है, ना कि पैसा वापस करने का। तो अर्नड इनकम क्या फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है? नहीं है, ये आपका फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट नहीं होगा। ये क्या होगा जी आपका? ये आपका होगा क्या, हम देख लेंगे बाद में, बट इट विल नॉट बी कवर्ड अंडर द फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, है ना। रिपीट कर रहा हूँ, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है या नहीं है तो हम क्या बोलेंगे? अर्नड इनकम, सर ने एडवांस में रिसीव किया हुआ है, उसके बदले में उनके पास ऑब्लिगेशन है सर्विसेज प्रोवाइड करने का, प्राइमरी मेन, तो हम वहां पर क्या बोलेंगे कि नहीं जी फिर आपका यहाँ पे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट नहीं है। मेरे बच्चे ऐसे आप किसी भी नाम को जज कर सकते हो, कोई भी नाम। अब जरा आओ ना, मैं इसके बाद यहाँ पे आऊं, जरा सुनो मेरे पास ध्यान से, देखो कितने अच्छी तरीके से आप मेरे साथ आप बात करना शुरू कर दोगे। यहां देखो आप नजरिया, ये देखो एक नाम और दूं मैं क्या, मुझे मन कर रहा है, सेवंथ लिखो यहां पे, कहता है आपका सेवंथ में शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड पेंडिंग अलॉटमेंट, पेंडिंग अलॉटमेंट टू बी रिफंडेड। मतलब किसी का एप्लीकेशन का पैसा मेरे पास आया था, हमने उनको शेयर अलॉट नहीं किया, अब उनका पैसा हमें वापस करना है। तो बताओ जरा यहां पे जो पैसा हमने उनको रिजेक्ट कर दिया, तो पैसा वापस करना है, इसका मतलब क्या? यहां पे एक कॉन्ट्रैक्ट है जी, एक ऑब्लिगेशन है कि भैया पैसा आपको वापस करना है, पैसा कैश, तो ये इससे फाइनेंशियल लायबिलिटी है ना। तो ये भी आपका क्या होगा, फाइनेंशियल लायबिलिटी के अंदर में ईएस आप लिख देंगे, इन ईएस। मैं कुछ और नाम देना चाहता हूं, और नाम, लेकिन मुझे लगता है कि शायद आपको ना ऐसे कंफ्यूजन होगा, तो मैं एक काम करता हूं दूसरे तरीके से। एग्जाम्पल नंबर वन हटा दूं मैं इसको, ये लिख लिया आपने, यस सर। तो एग्जाम्पल नंबर टू पे आओ, कुछ और नाम मैं आपको देना चाहता हूं यहीं पे, ताकि और क्लियरिटी निकल के आए। ये लीजिए, मैं इसको मिटाता हूं और एग्जाम्पल नंबर टू पे आपको लेकर आता हूं। लिखेंगे एग्जाम्पल नंबर टू के अंदर में, इस बार ऐसे लिख देता हूं, क्या वो फाइनेंशियल लायबिलिटी है या फिर नन, कुछ भी नहीं है। आपको यहां पे अब करना है, ठीक है ना, आपको अच्छा लगेगा। आओ जरा मैं कुछ और नाम लेता हूं, जैसे कि एक हो गया आपका यहां पे इनकम टैक्स पेबल। एक नाम लेता हूं मैं आपका यहां पे डिविडेंड पेबल, जो डिविडेंड आपको पे करना है, ठीक है ना। तीसरा नाम प्रपोज्ड डिविडेंड, ठीक है। चौथा नाम आप यहां पे लिखिए, मैं और क्या नाम दूं आपका, एडवांस रिसीव्ड या फिर एडवांस पेड फॉर परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स आपका, ठीक है ना, कुछ ऐसे नाम। पहले हम आते हैं इनकम टैक्स पेबल। आप मुझे बताओ इनकम टैक्स जो पे करना है गवर्नमेंट को, ये आपका क्या फाइनेंशियल लायबिलिटी है कि नहीं है, समझते हैं। इनकम टैक्स पे करना मेरे बच्चे, इंडियस 109 कहता है इट्स नॉट ए कॉन्ट्रैक्चुअल, यहां कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है कि हाँ जी मैं आपको इनकम टैक्स पे करूंगा आप मुझे ये दोगे, यहां कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं। यहां पे क्या है, इट्स ए लीगल ऑब्लिगेशन। सर ये कैसे सोचे, आप चिंता मत करो, मैंने कहा ना मैं उतनी ही बातें बता रहा हूं जितना इस एस के लिए आपको रिक्वायरमेंट है। इसका डिटेल पढ़ेंगे ना जब हम आएंगे 109 के अंदर में, अभी आप सुनते रह चलो दिमाग में इफ और नहीं, अभी आप सीख रहे हो हर एक चीज जो बोलूंगा बस हाँ सर ने ठीक बोला। तो हमने कहा कि यार इनकम टैक्स जो गवर्नमेंट को पे करना है, इट्स नॉट ए कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन, इट्स ए लीगल ऑब्लिगेशन। और मेरे बच्चे लीगल ऑब्लिगेशन थोड़ा यहाँ पे हमने क्या बोला था, इट्स ए कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन। तो इनकम टैक्स पेबल जो है ना, वो ना तो ये है ना ये है, आपका नन में कवर होगा, यानी कि ये फाइनेंशियल एसेट्स भी नहीं है, फाइनेंशियल लायबिलिटी भी नहीं है। और तभी तो अगर आप यहां ध्यान से देखो, ये देखो करंट लायबिलिटी के अंदर में हम लोगों ने फाइनेंशियल लायबिलिटी में सिर्फ तीन नाम लिखा, फिर प्रोविजन और फिर का करंट टैक्स लायबिलिटी। ये करंट टैक्स लायबिलिटी देखो जरा फाइनेंशियल लायबिलिटी के अंदर नहीं है, ये अलग से आपका दिख रहा है। तो ये आपका क्या होगा जी, ये आपका अलग से बच्चे नन के अंदर कवर होगा, है ना, ये अलग से। और हमारा ये आपका फॉर्मेट क्या बोलता है कि आपको इसको अलग से डिस्क्लोज करना, ठीक है। नेट का मतलब क्या होता है हम बाद में समझ लेंगे, मतलब फिलहाल यहाँ पे डिविडेंड पेबल ये तो कॉन्ट्रेक्चुअल है, आपने मुझे शेयर्स दिया, आपने मेरे कंपनी के शेयर्स परचेज किए,
प्रॉफिट होगा तो हम आपको क्या डिविडेंड पे करेंगे, और डिविडेंड पेबल है ना, मैंने डिक्लेयर कर दिया कि मैं पे करूंगा, देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट कि आपको मुझे पे करना पड़ेगा, इट्स पेबल, इट्स योर फाइनेंशियल लायबिलिटी, कोई डाउट नहीं सर। प्रपोज्ड, अरे डिविडेंड अभी प्रपोज्ड हुआ है, डिविडेंड अभी आपका प्रपोज्ड हुआ है, जो प्रपोज्ड है वो तो कोई ऑब्लिगेशन अभी है ही नहीं, पता नहीं क्या होगा डायरेक्टर्स के साथ मीटिंग में, एजीएम में क्या होगा, हमें कुछ नहीं पता, तो ये तो आपका नन में कवर होगा। और इसीलिए आपने एस में भी पढ़ा होगा, यहां भी हम पढ़ेंगे, इसको सिर्फ नोट्स टू अकाउंट में दिखाया जाता है, ये आपको फॉर्मेट के अंदर कहीं कवर नहीं होगा। एडवांस पेड फॉर परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, जरा बताओ हमने कोई एडवांस पे किया है, सोचो मेरी बात, मुझे बिल्डिंग परचेज करना था और उस बिल्डिंग को परचेज करने के लिए मैंने 5 लाख रुपीज का एडवांस दिया हुआ है, क्या ये जो 5 लाख का एडवांस दिया हुआ है इसके बदले में मुझे कैश लेना है? ना ना ना, क्या लेना है? बिल्डिंग लेना है, बिल्डिंग। तो मेरे बच्चे बिल्डिंग जो है ना वो आपका थोड़े फाइनेंशियल एसेट्स है, वो तो आपका जी टेंजिबल एसेट्स है, तो हम कहते हैं कि ये जो आपका होगा ना ये आपका नन में कवर होगा। मैं ऐसे किसी भी आइटम पे सोच सकता हूँ, मेरे सोचने की शक्ति जो है ना वो स्ट्रांग हो जाती है अगर मैं इस बात को समझ जाता हूँ कि फाइनेंशियल एसेट्स और फाइनेंशियल लायबिलिटी का मतलब क्या होता है। आइए जरा अब मैं आपको यहाँ तो फॉर्मेट में थोड़ा बताऊँ, नजर यहाँ डालेंगे, नजर यहाँ यहाँ से देखेंगे आप। नॉन करंट एसेट्स में प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी गुडविल आपका, देख रहे हो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को भी फाइनेंशियल एसेट से अलग किया गया, क्यों अलग किया गया? यही रीजन था क्योंकि जो इन्वेस्टमेंट इन प्रॉपर्टी किया ना, बिल्डिंग में आपने लैंड में जो पैसा आपने इन्वेस्ट किया हुआ है, उस इन्वेस्टमेंट के बदले में आपने किसी से उस बिल्डिंग के बदले में कैश नहीं लेना, वो तो आपका हमेशा के लिए हो जाएगा। हाँ अगर उस बिल्डिंग को किसी से सेल करने का एग्रीमेंट करूं तो बात समझ में आता है, अभी तो ऐसा कुछ है ही नहीं, बिल्डिंग मेरे पास पड़ा हुआ है तो वो मेरा अलग से रिकॉर्ड होगा। गुडविल आपका हो गया, अदर इंटेंजिबल एसेट्स हो गया, फिर इनका अंडर डेवलपमेंट हो गया, बायोलॉजिकल एसेट्स अदर देन बियरर प्लांट मैंने बता दिया है। बियरर प्लांट जो होगा बच्चे पीपीई के अंदर कवर होता है, बियरर प्लांट का मतलब जैसे कि आपका मैंगो का ट्री हो गया जिसके ऊपर फल आते हैं, तो वो ट्री जो है ना उसको हम क्या बोलेंगे पीपीई के अंदर में। बायोलॉजिकल प्लांट में और बताइए क्या हो जाएगा, जैसे कि लिविंग एनिमल्स आपके हो गए, शिप्स हो गए आपका, क्या बोलते हैं कैमल्स हो गए, जिसपे कि आप मतलब यूज करते हो बिजनेस के अंदर में, राजस्थान में जाओ कैमल्स यूज किए जाते हैं सामान को यहाँ से वहाँ ले जाने के लिए। आपके पास अगर डेयरी फार्म है, अगर आप एग्रीकल्चर सेक्टर में हो डेयरी फार्म है तो वहाँ पे आपका गाय को रखते हैं आप, भैंस को रखते हैं, ये सब क्या, क्योंकि यहाँ पे क्या है ना इंडेस में एग्रीकल्चर पे भी अलग से इंडेस है इसलिए उनका भी डिस्क्लोजर वो अलग से मांगता है आपका, ठीक है ना। तो ये हमारे पास नहीं। अब फाइनेंशियल एसेट्स आपका क्या बोलता है जी, इसमें देखो इन्वेस्टमेंट, अब मैं कुछ ब्लू से लिखूंगा, ब्लू से मतलब कि अब आपको दिमाग को और थोड़ा स्ट्रॉन्ग करना चाहता हूं, आपको समझना है, आपको बस मेरे साथ लिखना है। ब्लू का मतलब कि वो आपका इंडेस में नहीं लिखा बच्चे, फॉर्मेट में नहीं, आपको समझाने के लिए। अब देखो ना फाइनेंशियल एसेट्स, एसेट्स की बात करें, इन्वेस्टमेंट, ये कौन सा इन्वेस्टमेंट है जो आपका लॉन्ग टर्म का रहा होगा? नो डाउट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म आपने कोई बॉन्ड्स में शेयर्स में आपने परचेज किया जी। वो ट्रेड रिसीवेबल ये कौन से होंगे? बीआर बिल्स रिसीवेबल प्लस डेटर्स, ये दोनों ट्रेड रिसीवेबल होते हैं, जो ट्रेड में जो रिसीवेबल है। लेकिन ध्यान रखना अगर ये क्वालिफाई करते हैं आपका डेफिनेशन ऑफ नॉन करंट एसेट। सर ये नॉन करंट एसेट का डेफिनेशन क्या था पहले तो आप समझ लो कि नॉन करंट एसेट्स के अंदर में आ रहा जी। आपने पढ़ा है आपने एस के अंदर में भी कि नॉन करंट का मतलब होता है कि जो 12 मंथ से ज्यादा पीरियड में आपका लेते हैं कैश में कन्वर्ट होने में, या फिर ऑपरेटिंग साइकिल से ज्यादा पीरियड लेते हैं आपका, बिल्कुल सेम डेफिनेशन यहां भी है, हम इंडेक्स 1 में भी उसको स्टडी करेंगे। तो जितने भी आपके डेटर्स या बिल्स रिसीवेबल जिनका पैसा मान लो आपका, मान ले कि 12 मंथ्स का पीरियड आपका है जी डेफिनेशन का, तो 12 महीने से ज्यादा पीरियड में जो पैसा आएगा उसको आपको अलग दिखला रहा है ना, समझ मेरी बात ना। 12 मंथ से ज्यादा समय में जिससे पैसा रिसीव करना वो यहां चला जाएगा, 12 मंथ से कम वाले कहां चले जाएंगे, यहां चले जाएंगे। और हाँ एग्जाम में ना बताया कि भैया डेटर्स बीआर जो है वो आपका 12 महीने से ज्यादा वाले कि कम वाले, तो ऑब्वियस बात है नॉर्मल, जैसे हम इसको क्या मान लेंगे जी, ये आपका छोटा वाला मतलब कि करंट में मान लिया जाएगा, यहां भी कौन आ गया डेटर्स प्लस बीआर, ब्लू वाला लिख सकते हो अपने लिए। ये कौन सा इन्वेस्टमेंट है? शॉर्ट टर्म, शॉर्ट टर्म यानी कि करंट इन्वेस्टमेंट, मतलब जो इन्वेस्टमेंट एक साल से कम पीरियड के लिए आपका है ना, वही बॉन्ड्स शेयर्स में पैसा लगाना और एक साल से कम। सर एग्जाम में इन्वेस्टमेंट आ गया वो नहीं बताता कि लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म, तुम क्या मानेंगे? आप कुछ भी मान सकते हो, कुछ भी, बस नोट नीचे लिख देना कि हमने ये माना हुआ है। लोन, ध्यान रखना ये एसेट्स है, अगर आपने कोई लोन दिया है लॉन्ग टर्म, लॉन्ग टर्म आपने लोन दिया है जिसको भी,
आपने लॉन्ग टर्म लोन दिया है जी, आपने क्या बोलते हैं अपने डायरेक्टर्स को दिया हुआ है, आपने इम्प्लॉय को दिया हुआ है, आपने कस्टमर को दिया हुआ है, आपने सब्सिडरी को दिया हुआ है, आपने जिसको भी दिया होगा, हमें फ़र्क नहीं पड़ता। अगर वो लोन आपका लॉन्ग टर्म है तो यहाँ चला जाएगा, और अगर आपका लोन शॉर्ट टर्म है तो आप उसको यहाँ रिकॉर्ड कर देंगे शॉर्ट टर्म, ठीक है ना। फिर आपके अदर्स, अब फाइनेंशियल एसेट्स अदर्स में क्या आएंगे, इनको छोड़ के जो भी बच जाएगा ना बच्चे, मैं उसको यहाँ मैं देखूंगा, अभी नाम मैंने आपको क्वेश्चन में बुक में रखा हुआ है, कई सारे नाम जहां पर डिस्कशन करेंगे वो देख लेंगे यहाँ पे क्या निकल के आता, ठीक है ना। अच्छा अब जरा यहाँ पे आ जाओ, डेफर टैक्स एसेट्स, मैंने आपको बताया था एसेट्स का पेमेंट जो है ना इट्स नॉट ए फाइनेंशियल लायबिलिटी और फाइनेंशियल एसेट्स, अलग से दिखेगा हमेशा। डेफर टैक्स एसेट्स यानी कि डेफर टैक्स आपका एसेट माइनस डेफर टैक्स लायबिलिटी, नेट अमाउंट है ना। डेफर टैक्स अगर एसेट बढ़ा है तो नेट अमाउंट यहां चला जाएगा, और डेफर टैक्स लायबिलिटी बढ़ा है तो नेट अमाउंट आपका यहां चला जाएगा, कोई डाउट नहीं सर, वही जो पहले होता था। नाउ अदर नॉन करंट एसेट्स, अदर नॉन करंट एसेट्स इसमें क्या होगा हम देख लेंगे बाद में, बाद में, ठीक है। अभी आगे बढ़ते हैं करंट एसेट्स में, इन्वेंट्री देखो, इन्वेंट्री को इसने अलग कर दिया इससे, क्योंकि इन्वेंट्री इज नॉट ए फाइनेंशियल एसेट्स आपका, ठीक है। इन्वेंट्री में क्या आएगा, वही पहले वाली बात है, रॉ मटेरियल का, WIP का, फिनिश गुड्स का, आपका लूज टूल्स का, स्टोर्स का, स्पेयर पार्ट्स का, सब इन्वेंट्री के अंदर कवर हो जाएगा। ये तो बता दिया, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, बैंक बैलेंस विथ अदर, ये आपको समझना पड़ेगा। मैं एक काम करूँ क्या, मैं इसको समझाने के लिए ना मैं इसको मिटाऊंगा, इसको मिटा दो एग्जाम्पल नंबर टू को। यस सर, हो सकता है एग्जाम में आपको एक तो फुल फ्लेज क्वेश्चन आ जाए प्रेजेंटेशन, तो बहुत मजा आ जाएगा जी, ऐसे मार्क्स मिल गए। हो सकता है कुछ नाम आ जाए कि बताओ ये कहां पे जाएगा, तो अब आप देखो सोचने की शक्तियां हम डेवलप करते हैं, ठीक है ना। ये देखिए आप एग्जाम्पल नंबर थ्री लिखेंगे आप यहां पे, बैंक बैलेंस, मेरे पास बैंक जो बैलेंस है ना, बैंक बैलेंस वो कहता है कि मान लो 15 लाख रुपीज का अमाउंट है, 15 लाख रुपए, मैं इस बैंक बैलेंस को तीन टुकड़े में डिवाइड करता हूं, एक वो जो आपका इधर इधर इन कैश और वरिडली कन्वर्टेबल इनटू कैश। जैसे कि मैं एग्जांपल में आपको बता दूं यहां पे, जैसे कि कैश हो गया आपका यहां पे कैश तो छोड़ी दो, चलो यहाँ कैश एंड बैंक बैलेंस कर देता हूँ मैं ताकि और क्लियरिटी आ जाए। जैसे कि इसमें कैश आ गया आपका जी, बैंक आ गया, बैंक आ गया, जैसे कि आपका यहाँ पे मार्केटेबल सिक्योरिटीज हो गया। आपको पता है मार्केटेबल सिक्योरिटीज का मतलब वो इन्वेस्टमेंट जो कि विद इन 3 मंथ्स सेलेबल है, 3 महीने के अंदर हम बेच सकते हैं आपका। जैसे कि आपका चेक इन हैंड हो गया, या चेक इन ट्रांजिट, कोई चेक हमारे पास आ रहा है जी, या फिर कोई ड्राफ्ट आपका हो गया, ड्राफ्ट हो गया, या फिर आपका डिमांड डिपॉजिट्स। डिमांड डिपॉजिट्स का मतलब होता है फिक्स डिपॉजिट जो हमने किया हुआ है, बट जब चाहूँ तब उसको ब्रेक कर सकता हूँ, ऑन डिमांड ब्रेकेबल आपका होता है वो सब आपका ये। तो ये सारा अमाउंट जो है ना, ये सारा अमाउंट मिलकर आउट ऑफ दिस 15 लाख, ये कहता है मान लो आपका 12 लाख रुपीज का अमाउंट है, 12 लाख रुपीज। फिर कहता है एक आपका यहाँ पे फिक्स डिपॉजिट है, एक और फिक्स डिपॉजिट है बैंक में ही है ना, कहता है कि रुपीज 2 लाख का, लेकिन ये कहता है कि मैच्योरिटी पीरियड आफ्टर 2 ईयर्स, मतलब ये आपका रेडली कन्वर्टेबल इनटू कैश नहीं है, ये आपका FD का पैसा है तो बैंक में ही 15 लाख में ही मिला हुआ है, लेकिन ये पैसा 2 साल के बाद आप इसको ब्रेक कर सकते हैं, उसके पहले नहीं। मैं आपको सोचने की शक्ति स्ट्रॉन्ग करा रहा हूं बस। और फिर मैं आपको कितना बच गया जी, 12 + 2 = 14, 1 लाख रुपए, और इस ये जो 1 लाख रुपए है ना, कहता कि अर्न मार्क्ड अगेंस्ट डिविडेंड पेबल अनक्लेम्ड डिविडेंड एक्सेट्रा, मतलब ऐसा कुछ नाम सर, मतलब पता है हमें डिविडेंड पे करना है, और हम लोगों ने क्या किया है कि उसके नाम का पैसा अलग से बैंक में रखा हुआ है।
अनक्लेम डिविडेंड, डिविडेंड जो हमने पे करना था, शेयर होल्डर हमसे पैसा मांगने नहीं आए, हमने उनका पैसा एक अलग से बैंक में जमा कर दिया जिसका नाम था अनक्लेम डिविडेंड। ये वो पैसा है बैंक में जो किसी एक पर्टिकुलर नाम से हमने खोल कर रखा हुआ है। इसको है तो बैंक में पैसा, बट ये किसी खास पर्पज के नाम से पैसा रखा हुआ बैंक में आपका। ये पैसा आप जब चाहे तब यूज कर सकते हैं। ये 2 साल के बाद ही हो रही है, 3 तरीके का हमें दिख रहा है कहां रिकॉर्डिंग होगा। मेरे प्यारे बच्चों, ये जो आपका बैंक है ना, ये 12 लाख रुपए, ये तो हो जाएगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ये देखो आप, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, यानी कि ये आपका कहां जाएगा, अंडर द हेड कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। समझो मेरी बात यहां पे। ये जो बैंक है, क्या वो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है? नहीं सर। पहले इसको समझते हैं, ये कहां जाएगा? ये जाएगा आपका, ये देखो आपका वो बैंक का पैसा जो है ना बच्चे, बैंक बैलेंस अदर देन 0.3, इसके सिवाय जो आपका बैंक बैलेंस है। मतलब अभी मैं इसके बारे में बात नहीं कर रहा, ये पता है, ये हो गया बैंक बैलेंस अदर देन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। और क्योंकि ये भी आपका करंट ही है, ये बहुत समय के लिए नहीं, 30 दिन के लिए, 45 दिन के लिए, 3 महीने के लिए, टू द मैक्सिमम पैसा ही सब अकाउंट में रहता है, बाकी पैसा इसमें हट जाते हैं। तो ये सभी क्या आपका ये निकल के आया बच्चे, ये बैंक बैलेंस अदर देन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ठीक है ना। ये पैसा क्या होगा? पहली बात, ये 2 साल के लिए पैसा फ्रीज है। अगर 2 साल के लिए पैसा फ्रीज है मेरे बच्चे, जो बैंक में पैसा पड़ा हुआ है, तो ये करंट तो होगा नहीं, क्योंकि करंट वो होता है जो 1 साल में कैश में कन्वर्टेबल है। तो 1 साल से ज्यादा यानी कि ये करंट नहीं होगा, ये नॉन करंट होगा। हमें यहां पे कहीं समझना होगा कि ये कहां जाएगा। क्या प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट है? नहीं। कि कैपिटल WIP नहीं, इन्वेस्टमेंट है? नहीं। अरे इतना क्या सोचना है, तो फाइनेंशियल एसेट्स ना, इसके बदले में पैसा ही तो लेना है, तो मैं इधर ढूंढू ही क्यों, क्यों ना फाइनेंशियल एसेट्स में आ जाओ। क्या कोई ये इन्वेस्टमेंट है लॉन्ग टर्म का? नहीं, ये इन्वेस्टमेंट नहीं कहा जाएगा। इन्वेस्टमेंट का मतलब बॉन्ड शेयर, इस समय पैसा आपने कहीं इन्वेस्ट किया है, ये तो आपका जी बैंक में पैसा पड़ा हुआ है। ट्रेड रिसीवेबल नहीं, लोन दिया ना, अदर्स क्या यहां लिखो? यस, ये पैसा हमारे यहां पे कवर होगा, क्योंकि ये अदर्स में हो, ये तीनों में से कहीं भी नहीं दिख रहा मेरे बच्चे, ये अदर्स में आपका जाएगा। तो जो हमने बैंक में डिपॉजिट किया ना, या फिर फिक्स डिपॉजिट कह देगा, बैंक डिपॉजिट कह देगा, जिसका मेच्योरिटी 2 साल के बाद है, ये आपका नॉन करंट एसेट के अंदर में कहां जी, अदर आपका नॉन करंट, अदर नॉन करंट फाइनेंशियल एसेट्स के अंदर में दिखाया जाएगा। बात सुन रही है? ये यहां पे इसका पोस्टिंग है, ऐसे बातें समझनी पड़ेंगी। कोई डाउट इसके अंदर में सर? नहीं, लेकिन सर हमें प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ऑब्वियस बात है, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आप जब 2-3 बार इसको लिख लोगे, अभी क्वेश्चन में सॉल्व कराऊंगा, अभी तो आपको ज्यादा क्लियरिटी आएगी, अभी तो फर्स्ट टाइम आप पढ़ रहे हो। अच्छा, ये करंट टैक्स एसेट्स मैंने बता दिया जी, ये क्या आपका है जी, मैं थोड़ा सा आपको यहां पे बता दूं, यहीं पे लिख के। फिर बच्चे करंट टैक्स एसेट्स का मतलब है, यहां पे देखो जरा, ये एसेट साइड है कि लायबिलिटी साइड? ये एसेट साइड है। तो कहते हैं कि अगर आपका एडवांस टैक्स, जो आपने एडवांस टैक्स पे किया है, लेस आपका इनकम टैक्स पेबल, एडवांस टैक्स जो आपने पे किया है, अगर वो ज्यादा है एज कंपेयर टू इनकम टैक्स पेबल, तो आपका जाएगा करंट टैक्स एसेट आपका है। और वाइस वर्सा, यहां पे करंट टैक्स लायबिलिटी का मतलब हो गया कि अगर आपका इनकम टैक्स लायबिलिटी माइनस आपका क्या था जी, वो एडवांस टैक्स, ये अगर आपका ज्यादा निकल के आता है इनकम टैक्स लायबिलिटी, तो फिर क्या हो जाएगा, करंट टैक्स लायबिलिटी बन जाएगा। बात समझ आ रही है? ये करंट है। डेफर्ड का मतलब मैंने आपको बता दिया, जब डेफर्ड टैक्स, यहां पे एसेट ज्यादा है, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी कम है, तो यहां पे एंड वाइस वर्सा। और ये आपको बात समझ आ रही है, और ये हमारे फाइनेंशियल थोड़े ही है। मैं थक गया। जिंदगी आजकल जो है ना, लगता है कि एस इंडेक्स में गुजर जाएगी। मस्ती जो था ना बच्चे लाइफ की मेरी, सब खत्म हो चुकी है। रोज सोचता हूं कि अब जो अगला दिन आएगा उसको एंजॉय करूंगा, बच्चों के साथ मस्ती करूंगा। फैमिली है, मम्मी पापा हैं, वाइफ है, बच्चे हैं, दादा दादी हैं, दादा दादी ने भगवान जी के पास चले गए, मेरी भी ज्यादा हो चुकी है इसलिए, बट मैं चाहता हूं कि सबके साथ एंजॉय करूं, भाई बहन है। लेकिन कहां मिलता है, आपके चक्कर में एस इंडेस, सुबह उठो एस, शाम को इंडेस।
आजकल खाने में भी पूछते हैं कोई नहीं कि क्या खाना, तो ए से इंडे से बोलने का मन करता है। आपकी जिंदगी ऐसी नहीं होनी चाहिए। आप अपनी डिग्री को क्वालिफाई करने के बाद भी ना आप बिजनेस करो। टीचर बनने में कोई फायदा नहीं है, देख ही रहो जिंदगी खराब। आप बिजनेस करो। कंपनी में मन करता ना कि काम करना, मुझे कंपनी में जॉब करना, मजा नहीं है वहां पे भी। आप बहुत समय तक उस चीज को एंजॉय नहीं करोगे। अगर आपके अंदर में क्रिएटिविटी है, मन करता है यार बस मैं, मेरा नाम हो, मेरा ब्रांड हो, मेरी कंपनी का ब्रांड हो, मैं अपने लिए काम करूं, तो बिजनेस करो बस। या फिर टाटा रिलायंस इस समय अगर जाना है तो आप उनको कह देना कि भैया मुझे पहले दो इसमें शेयर होल्डिंग, ऑनर बनाओ तब काम करूंगा। साफ प्लेसमेंट में आएंगे आप, मान लो नए नए अभी डिग्री क्वालिफाई किए, प्लेसमेंट में बैठे हो, कंपनी आ रही है, कंपनी कोई भी सवाल पूछेगी जवाब मत देना आप। आप पहले कहना कि मुझे अपनी कंपनी मालिक बनाओ। मालिक बनाओगे तब जवाब दूंगा, तब मैं कंपनी ज्वाइन करूंगा। निकाल देते हैं, नहीं लेते कोई बात नहीं, बट जो शक्ति है ना अंदर की, जो आपका मतलब वो जो चीज बनना चाहते हो बनना है, अगर वो निकाल लेता तो अपने बिजनेस खड़ा करेंगे यार। करूंगा उनको पीछे, उनका जमाना था, उनको यहां तक पहुंचने में 100 साल 150 दो साल लग गए, आज हाईटेक जमाना है, 10 साल में पहुंच जाएंगे वहां पे। बात सुना रही है? बिजनेस करो। अगर आपको लगता है यार मुझे नहीं जॉब ही करना है, मैं इतना नहीं एफर्ट डाल सकता, तो कोई बात नहीं, वो भी ठीक है, लेकिन गोल तो होना चाहिए यार बिजनेस करने का। मजा आता जब आपका, आप कभी 20, 50, 100, 150, 200, 500 लोगों को जब इंप्लॉयमेंट देते हो और जब उनके साथ टीम में काम करते हो, वो आप इस तरीके से टीम बना देते हो कि यार जो मैं बोलूं बस टीम मेरे बातों को मान ले, मुझे एक्सेप्ट करे कि हाँ मैं उनका लीडर हूं। मालिक बन के वो कोई बिजनेस नहीं करता, टीम के साथ बिजनेस करता है। खैर छोड़ो, मैं कहाँ चला गया, मैं तो अभी एस इंडस्ट टीचर हूं, मैं क्या ज्यादा करूंगा, आपकी बात करता हूँ। आप करना, मजा आता है बिजनेस करने में, थोड़ा मेहनत लगता है स्टार्टिंग में, हो सकता है 10 दिन 20 दिन, 2 महीना 4 महीना, साल भर 2 साल आपको सोने को भी ठीक से ना मिले, फैमिली से इंटरेक्शन आपका प्रॉपर ना हो, लेकिन फिर एक बार जब बिजनेस जम जाता है ना और जब आप घर से बाहर निकलते हो तो एक अलग ही इमेज होता है। खैर एनीवे, अरे हम इंडेस पे थे, आओ ना यहाँ देखो आप। तो मैंने कहा ना आपको यहाँ पे कि आपका देखो जी कहाँ थे, करंट एसेट्स में इन्वेंट्री हो गया, फाइनेंशियल एसेट्स में इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म ट्रेड रिसीवेबल हो गया, कैश एंड कैश ये भी हो गया, लोन हो गया, फिर सर अदर्स में क्या आएगा देख लेंगे बाद में, कुछ बच गया तो क्वेश्चन में अभी कैसे दिमाग लगाया जाए। फिर अदर करंट एसेट्स में क्या आएगा ये तो बता सकता हूँ, कुछ नाम तो बता सकता हूँ, कुछ नाम हमने देखा था ना, सोचते हैं हमें कितने सारे नाम। तो जैसे कि अदर करंट एसेट्स में एक नाम आपका हो गया प्रीपेड एक्सपेंसेज, है ना बच्चे, प्रीपेड एक्सपेंसेज आपका। उसी तरीके से आपका यहाँ पे आपका और कुछ नाम बता दो तो काफी अभी फिलहाल, एक्सेट्रा देख लेंगे बाद में, है ना। यहाँ पे अगर आप मुझसे बोलते हो कि सर आप अदर नॉन करंट में कुछ बता दो तो मैं आपको बता सकता हूँ। यहाँ पे अदर में हमने कहा कि एडवांस जो हमने दिया है, एडवांस फॉर कैपिटल एसेट्स, किसी फिक्स्ड एसेट्स को परचेज करने के लिए अगर हमने कुछ एडवांस दिया तो वो क्या यहाँ जाएगा। दिखाया था कि हमें, हमने जो एडवांस पे किया तो हमारा एसेट्स है और उसके बदले में मशीन चाहिए, कैश थोड़ी चाहिए, मशीन चाहिए, तो यहाँ तो नहीं आएगा, अदर में चला जाएगा। ऐसे बहुत सारे नाम अभी आएंगे। और ये थ्री में नॉन करंट एसेट्स हेल्ड फॉर सेल, इंडेक्स 105 में डिटेल में स्टडी करेंगे। वो कहता है भैया अगर कोई नॉन करंट एसेट्स यानी कि लॉन्ग टर्म एसेट्स आपने रखा हुआ है बेचने के लिए तो उसको बैलेंस शीट में अलग दिखाना है। ये एसेट्स वो दिखेंगे जो आपके साथ चलेंगे कई साल तक, जिनको बेचने के लिए रखा हुआ आपने उसको आप अलग दिखाना, ठीक है ना। ये हो गया आपका। आओ ना लायबिलिटी साइड में, इक्विटी में इक्विटी शेयर कैपिटल, अदर इक्विटी, इक्विटी को और डिटेल में थोड़ा देखते हैं। आपका इक्विटी आएगा, कोई कन्वर्टेबल है जैसे कोई सिक्योरिटी आपके पास है, सिक्योरिटी मतलब कोई शेयर्स है, प्रेफरेंस शेयर्स ही हैं जी, डिवेंचर्स हैं जो फ्यूचर में एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद आपके इक्विटी में कन्वर्ट होने वाले हैं, तो ये सभी हमारे पोटेंशियल इक्विटी कहे जाते हैं, यहां पे कवर किए जाएंगे। कैसे मैं दिखाऊंगा, इक्विटी के अंदर चला गया इक्विटी शेयर कैपिटल। अदर इक्विटी, अगर आप मुझसे ना पूछो कि यार सिंपल शब्द बताओ ये क्या है, तो मैं कह दूं ये रिजर्व एंड सरप्लस और कुछ भी नहीं, रिजर्व एंड सरप्लस लिख लो आप यहां, आपको जितने भी रिजर्व सरप्लस होंगे ना उसको आप यहां दिखाएंगे अदर इक्विटी के अंदर में। समझ मेरी बात, यहां पे अदर इक्विटी में आपको चला जाएगा रिजर्व सरप्लस। नाउ अब हम आगे लायबिलिटी में, नॉन करंट में, एक तो बोरविंग्स, कौन से बोरविंग्स है ये, लॉन्ग टर्म बोरविंग्स, लॉन्ग टर्म
है ना, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। एग्जाम्पल बताओ, आप बता सकते हो, डिवेंचर्स हो गया, बॉन्ड्स इशू किया, पब्लिक डिपॉजिट्स हो गए, अगर हमने पब्लिक से कोई डिपॉजिट लिया हुआ है, बैंक से कोई लोन लिया है, सिक्योर्ड लोन है, अनसिक्योर्ड लोन है, कोई भी लोन हो, मोर्टगेज लोन हो, कोई भी लोन हो, अगर आपका लॉन्ग टर्म समय के लिए तो लॉन्ग टर्म बोरिंग्स जी। ट्रेड पेबल में अगेन आपका क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल, क्रेडिटर्स प्लस बिल्स पेबल है ना, कब, इफ कम्स अंडर नॉन करंट, मतलब अगर ये पेबल है 12 महीने से ज्यादा समय के अंदर में, एज पर डेफिनेशन ऑफ जो भी आपका करंट लायबिलिटी का होगा, तो कहते हैं कि 12 महीने से ज्यादा तो फिर यहां चले जाएंगे जी, और अगर 12 महीने से कम तो यहां चले जाएंगे, मतलब क्रेडिटर्स प्लस बिल्स पेबल कौन सा, शॉर्ट टर्म वाला है ना, शॉर्ट टर्म कुछ ना बताए तो हमेशा हम क्या मानते हैं, शॉर्ट टर्म मानते हैं। बोरिंग्स लॉन्ग टर्म, बोरिंग्स शॉर्ट टर्म। इस शॉर्ट टर्म में जैसे कि बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया, शॉर्ट टर्म सर इसको लिखा दो ना, अरे सब मैंने दिया हुआ है, आप जब क्लास खत्म हो जाएगी मैं भी दिखाऊंगा, भी मैंने सारे नाम आपको बताया है, जहां पे बैलेंस शीट का फॉर्मेट आपके बुक में दिया हुआ है उसके नीचे में जितने नाम कहां कहां आएंगे उसको स्टडी कर लेना है, उसको दोबारा पढ़ाऊंगा तो मैं आपको मतलब अंडरस्टिमेट करूंगा, ये वही नाम जो पहले से पढ़ते आ रहे हो बचपन से वही है, बट अब कहां जाएगा वो मैं प्रॉपर जगह बता रहा हूं आपको यहां पे, ठीक है ना। तो आपका यहां पे क्या हुआ जी, ये आपका शॉर्ट बोरिंग्स हो गया, ट्रेड पेबल आपका हो गया, अदर फाइनेंशियल लायबिलिटी, इनके सिवाय कुछ और दिख जाए, जैसे बताओ जरा अदर फाइनेंशियल लायबिलिटी में क्या क्या होगा जी, बताओ जरा और कौन सा जाएगा। तो एक तो फाइनेंशियल लायबिलिटी होना चाहिए, मतलब हमें पे करना है, तो मैं आपको बताऊं क्या, ये करंट है ना, ये देखो आप, अगर मान लो कोई आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट है ना ऑन लोन, लोन पे कोई इंटरेस्ट पे करना है, डिवेंचर्स पे कोई इंटरेस्ट पे करना है, ये सब क्या फाइनेंशियल लायबिलिटी है, हमें पे करना है, और क्या अदर में चला जाएगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा जो भी आपका हो जाएगा, ठीक है ना। प्रोविजंस जितने बनेंगे, ये देखो आप यहाँ पे सॉरी यहाँ नहीं बताया मैंने, अदर फाइनेंशियल लायबिलिटी, अगर कोई और भी हुआ हम देख लेंगे क्वेश्चन के साथ और क्या यहाँ पे होगा जी लॉन्ग टर्म में, और यहाँ पे शॉर्ट टर्म वाला मैंने बता दिया। प्रोविजंस कौन से हैं, लॉन्ग टर्म वाले, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस जो होते हैं जनरली इंप्लॉय के होते हैं, इंप्लॉय के नाम पे, जैसे कि प्रोविडेंट फंड में कुछ पैसा ट्रांसफर किया है, ग्रेच्युटी फंड में कुछ पैसा ट्रांसफर किया है, अपने इंप्लॉय को देना है जी रिटायरमेंट के टाइम पे, आपका ऐसे क्या बोलते हैं वो ये प्रोविजन फॉर इंप्लॉयज बेनिफिट कुछ रखा हुआ है, प्रोविजन फॉर इंप्लॉय मतलब कोई भी आपका लंबे समय के लिए प्रोविजन हो, प्रोविजन फॉर वारंटी हो गया, प्रोविजन फॉर वारंटी, कोई आपका वारंटी जो 10 साल तक कवर करेगा जी, उसके लिए कुछ प्रोविजन बनाया हुआ, तो लॉन्ग टर्म वाले सारे यहां चले जाएंगे। वही प्रोविजन अगर आपका शॉर्ट टर्म है तो यहां चला जाएगा, जैसे कि आपका शॉर्ट टर्म में कौन कौन से हो जाएंगे जरा बताइए, प्रोविजन फॉर रिपेयर हो गया है ना, जैसे कि प्रोविजन फॉर रिपेयर आपका हो गया, प्रोविजन फॉर आपका वारंटी हो गया जी शॉर्ट टर्म वाला, एक्सेट्रा एक्सेट्रा बहुत सारे नाम आएंगे हम देख लेंगे बाद में यहाँ पे आपका। हाँ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स मत सोच लेना, क्योंकि वो पहले जैसा होता है कि करंट एसेट्स में से माइनस करते हुए दिखाते हैं, वही काम करेंगे, ठीक है ना। करंट टैक्स लायबिलिटी नेट बताया दिया, अदर करंट लायबिलिटी में क्या आएगा मैंने आपको बता दिया, जो फाइनेंशियल लायबिलिटी नहीं है, और अदर में जैसे कि आपका एडवांस इनकम, हमने कोई एडवांस इनकम रिसीव किया है जी, अर्नड इनकम, ये सब यहाँ चले जाएंगे। और ये जो एसेट्स जिनको रखा है ना अपने बेचने के लिए नॉन करंट, इससे जुड़ा हुआ इनके ऊपर कोई लायबिलिटी होगा उसको भी हमें अलग से डिस्क्लोज करना होगा, आपका दोनों से टैली कर जाएगा। आप प्लीज कॉपी करें इसको बहुत अच्छी तरीके से, फिर मैं अब आपको क्या करता हूँ जी, मैं आपको बैल जो आपके जो रजिस्टर माफ कीजिए आपके बुक में जो फॉर्मेट है उसमें और उनमें कौन कौन से नाम कहाँ कहाँ जाएंगे हम उनके बारे में आपसे डिस्कशन करते हैं। जल्दी से प्लीज आप कॉपी करेंगे इसको, आप जल्दी से कॉपी करेंगे। हाँ जी आज जरा चेक करेंगे आपके बुकलेट का क्वेश्चन नंबर 6 का बोलते चेक करेंगे आप। यहाँ पे कहता है कि स्टेट द मेजर हेड्स एंड सब हेड्स अंडर विच द फॉलोइंग आइटम्स विल बी शोन, है ना, आपको बताने कहाँ पे शो करेंगे। कहता है कि शेयर एप्लीकेशन पेंडिंग अलॉटमेंट बिकम रिफंडेबल, जरा सोचो शेयर एप्लीकेशन का पैसा आया था, हमने शेयर अलॉट नहीं किया, अब उनका पैसा हमें वापस करना है, तो यहाँ पे एक तो पैसा वापस करना है, कैश हमें वापस करना है, लायबिलिटी है मेरे बच्चे, एक तो हम आगे लायबिलिटी साइड में, ये पैसा वापस करना है क्या लंबे समय के बाद या शॉर्ट में, ऑब्वियस बात है शॉर्ट में, यानी कि करंट लायबिलिटी के अंदर आएगा, और पैसा वापस करने का मतलब कि फाइनेंशियल लायबिलिटी। मैं आपको सोचने का तरीका बता रहा हूं, मेरे पास तरीका था, मैं आपको जैसे मैंने बुक में देखेंगे हर एक हेडिंग में कौन कौन से नाम आएंगे मैंने उनका डिटेल दिया हुआ है, लेकिन वहां पर मजा नहीं आएगा एग्जाम के अंदर में,
आप रियल लाइफ में आप मजा नहीं कर पाएंगे। तो मजा तभी अगर जब आप सोचेंगे, आप चेक करो कि क्या ये कोई शॉर्ट टर्म बोरिंग से नहीं, क्या ट्रेड पेबल है, नहीं, ये अदर फाइनेंशियल लायबिलिटी में जाएगा। इसका मतलब है ना, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट टू बी रिफंडेड, जिसको हम शेयर अलॉट नहीं किए उनका पैसा हमें वापस करना बचे, तो ये अदर फाइनेंशियल लायबिलिटी के अंदर चला गया है ना, फाइनेंशियल लायबिलिटी बट अदर में, आप लिख दो वहां पे अदर फाइनेंशियल लायबिलिटी। उसी तरीके से कहता है इनकम टैक्स रिजर्व, इनकम टैक्स रिजर्व का मतलब कि इनकम टैक्स जितना पे करना था उसके बाद बचा हुआ अमाउंट, ये रिजर्व है, ये कहां चला जाएगा, अदर सिक्योरिटी के अंदर में, लिखे वहां पे अदर सिक्योरिटी। फिर कहता है इनकम टैक्स पेबल, आपको पता है इनकम टैक्स पेबल इज नॉट ए फाइनेंशियल लायबिलिटी, और इनकम टैक्स पेबल लायबिलिटी है मेरे बच्चे, यानी कि करंट टैक्स लायबिलिटी। अगर कोई एडवांस टैक्स नहीं है, मान लो कुछ नहीं पे किया, तो जितना भी इनकम टैक्स पेबल है वो डायरेक्टली आपका यहाँ पे चला जाएगा। तो आप क्या बताएंगे, आप कह देना कि हेडिंग आपका करंट लायबिलिटी एंड सबहेडिंग हो गया करंट टैक्स लायबिलिटी नेट, वहां चला जाएगा, ठीक है ना। डिविडेंड पेबल, अनक्लेम डिविडेंड, ये दोनों ही नाम आपका फाइनेंशियल लायबिलिटी है, और आपको ये पे करना है बच्चे, तो ये कहाँ जाएगा, ये देखो करंट में फाइनेंशियल लायबिलिटी में, क्या बोरविंग से नहीं, यहाँ नहीं, तो कहाँ चला गया, अदर फाइनेंशियल लायबिलिटी। आप खुद जज कर सकते हैं अगर आपको प्रॉपर तरीके से पता है कि फाइनेंशियल एसेट्स फाइनेंशियल लायबिलिटी क्या होते हैं। तो आगे पढ़ेंगे, प्रपोज डिविडेंड, प्रपोज है ये, कोई लायबिलिटी नहीं है, ये नोट्स टू अकाउंट में जाएगा, है ना। शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट, मेरे बच्चे ये वो अमाउंट है जो हमने रखा हुआ है प्रॉफिट से निकाल कर, और फ्यूचर में जब आपके इम्प्लॉय को जब शेयर्स दिया जाएगा ईसोप, तो उसमें एडजस्ट करने के लिए, ये हमारा रिजर्व होता है, ये अदर इक्विटी के अंदर जाएगा, ठीक है ना, अदर इक्विटी। फाइनेंस लीज ऑब्लिगेशन, फाइनेंस लीज पे कोई आपने लिया हुआ है, ऑब्लिगेशन है, लायबिलिटी है मेरे बच्चे, तो फाइनेंस लीज ऑब्लिगेशन जब भी कह देगा इट्स ए कॉन्ट्रैक्ट टू पे अमाउंट अगेंस्ट फाइनेंस लीज आपका, तो ये आपका लॉन्ग टर्म लायबिलिटी होता है, लॉन्ग टर्म, और क्योंकि इसको हमें कैश में पेमेंट करना है, इट्स ए फाइनेंशियल लायबिलिटी, तो आप क्या करेंगे, फाइनेंशियल में बोरविंग के अंदर दिखाएंगे, कर्ज लिया है मेरे बच्चे यहाँ पे, फाइनेंस लीज आपने, तो बोरिंग के अंदर चला जाएगा, ठीक है ना। उसी तरीके से कहता है आपका यहाँ पे करंट मेच्योरिटी ऑफ फाइनेंस लीज ऑब्लिगेशन, करंट मेच्योरिटी है, जो फाइनेंस लीज था उसका पेमेंट करना अब हमने, कोई भी लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप पैसा लेते हैं, तो अब जब उसका करंट मेच्योरिटी आ गया, यानी कि आप करंट में चले गए, लेकिन इसमें मत लिख देना बच्चे, जो कभी लॉन्ग टर्म आपका बोरविंग्स था वो अचानक शॉर्ट टर्म नहीं होगा, शॉर्ट टर्म तभी होगा जब लोन को लेने के टाइम पे वो शॉर्ट टर्म पर्पस के लिए था आपका, है ना। अगर लॉन्ग टर्म बोरिंग्स का करंट मेच्योरिटी हो गया तो यहां नहीं, यहां भी नहीं, फिर कहां जाएगा, अदर फाइनेंशियल लायबिलिटी के अंदर में, हम यहां पे उसको रिकॉर्ड करेंगे। फिर कहता आपका डिवेंचर्स बॉन्ड, नो डाउट कि आपका ये लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है, तो आपके बोरविंग्स लॉन्ग टर्म में चले जाएंगे, हो सकता है एग्जाम में कभी बोल दे कि भैया आपका डिवेंचर्स बॉन्ड्स टेकन फॉर द पीरियड ऑफ आपका 8 months 9 months, इनकेस अगर बोलता है तो फिर शॉर्ट टर्म बोरविंग्स ना, तो फिर लॉन्ग टर्म जी हमेशा। कहता है कि लोन रीपेबल ऑन डिमांड, कोई भी लोन कोई भी लायबिलिटी रीपेबल ऑन डिमांड है, तो करंट हो गया, और करंट में आपका क्या लोन रीपेबल ऑन डिमांड बोरिंग्स में जाएगा बच्चे, लोन लेते समय ही आपको पता था कि इट्स पेबल ऑन डिमांड आपका है, तो फाइनेंशियल लायबिलिटी एंड बोरिंग्स के अंदर जाएगा, ठीक है ना, ये चीजें आपको निकल के आएंगी। अगला कहता है एम पढ़ना, बड़ा इंपॉर्टेंट है, बैंक डिपॉजिट फॉर मोर देन 12 months रिमेनिंग मेच्योरिटी। बैंक डिपॉजिट से हमने बैंक में कोई पैसा जमा किया हुआ है, लेकिन वो पैसा आपका 12 महीने के बाद ही मेच्योर्ड होगा, तो मैंने आपको बताया तो था कि अगर बैंक में कोई पैसा है और 12 महीने से ज्यादा पीरियड के लिए, तो कहां जाएगा, नॉन करंट एसेट्स में। ये देखिए आप यहां पे कहां गया, नॉन करंट एसेट्स के अंदर में, और ये किस में जाएगा मेरे बच्चे, इन कहां गया वो कहां चला गया ये अदर नॉन करंट एसेट्स के अंदर में, ये कहा था ना मैंने आपके, अदर नॉन करंट जो फाइनेंशियल एसेट्स आपके हैं, सॉरी अदर्स, यहां पे मैं बात कर रहा हूं, तो फाइनेंशियल एसेट्स में ये, दोबारा सुने आप, एक तो बैंक में पैसा है तो बैंक से हमें पैसा लेना है ना, एक कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन है 12 महीने से ज्यादा समय के बाद, तो आपका फाइनेंशियल एसेट्स हो गया, ठीक है ना। वो किस में जाएगा, इन्वेस्टमेंट है नहीं, ट्रेड रिसीवेबल है नहीं, लोन्स है नहीं, अदर्स में जाएगा, है ना, इस तरीके से हम इसका क्लासिफिकेशन करेंगे, कोई डाउट इसके अंदर में नहीं सर। आज जरा 7 क्वेश्चन देखेंगे बच्चे, 7 क्वेश्चन क्या निकल के आ रहा है पढ़ेंगे आप। अगेन आपको मेजर हेड्स एंड सबहेड्स बताने, कहता है कि प्रोविजन फॉर एक्सपेंस, देखो प्रोविजन फॉर एक्सपेंस जो होता है ये आपका एक्सपेंस को पे करने का प्रोविजन, जैसे कोई रिपेयरिंग आपका हो गया कुछ ऐसा आराम, तो छोटे मोटे खर्चे होते हैं उसका प्रोविजन बनना शॉर्ट टर्म के लिए, तो प्रोविजन फॉर एक्सपेंस आपका शॉर्ट टर्म प्रोविजन हो गया, यानी कि आपको लायबिलिटी साइड में आप क्या करेंगे,
करंट लायबिलिटी के अंदर में प्रोविजन शॉर्ट टर्म इसके अंदर में हमें दिखाना होगा, ठीक है ना। कहता कि कॉल सिनेरियर, मेरे बच्चे कॉल सिनेरियर, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट, वो सबका एडजस्टमेंट इक्विटी शेयर कैपिटल के अंदर ही होता है। मैंने आपको जब डिटेल जो फॉर्मेट यहाँ पे दिया हुआ आप उसको देखेंगे, हम बाद में उस थ्योरी पे चर्चा भी करेंगे। फिर कहता है सी के अंदर में चेक करेंगे आप यहाँ पे प्रोविडेंट फंड, ग्रेचुटी फंड। ये प्रोविडेंट फंड, ग्रेचुटी फंड जो होता है ये इंप्लॉय के नाम पे लॉन्ग टर्म प्रोविजन है, तो आपके लॉन्ग टर्म प्रोविजन के अंदर में हम इसको शो करेंगे, यानी कि नॉन करंट लायबिलिटी के अंदर में। लेकिन क्वेश्चन कहते हैं पीएफ पेबल, डी पॉइंट ई में कहता है ईएसआई पेबल या फिर ग्रेचुटी पेबल, जो पेबल हो चुका है, जो पेबल हो चुका है, अब तो हमें पे करना है, तो प्रोविजन रहा नहीं। फिर क्या होगा जी, अगर हमें ये पे करना मेरे बच्चे, तो अब आपका करंट लायबिलिटी के अंदर चला गया। क्या ये बोरविंग्स है? नहीं। क्या ये ट्रेड पेबल है? नहीं। तो फिर कहां चला गया? अदर फाइनेंशियल लायबिलिटी। समझ मेरी बात, यहां पे ये अदर फाइनेंशियल लायबिलिटी के अंदर में इसको कवर किया जाएगा। फिर देखेंगे प्रोविजन फॉर इंप्लॉय, मेरे प्यारे बच्चों कुछ ना बताया तो हमेशा प्रोविजन फॉर इंप्लॉय लॉन्ग टर्म माना जाएगा, आप लॉन्ग टर्म प्रोविजन के अंदर दिखाएंगे। कहता है कि स्टोर्स एंड स्पेयर पार्ट्स, ये तो इन्वेंट्री है, लो स्टोर्स इन्वेंट्री है, ये दोनों इन्वेंट्री कहां चला गया आपका? इन्वेंट्री के अंदर में, ये करंट एसेट्स के अंदर में, करंट एसेट्स के अंदर इन्वेंट्रीज के अंदर इसको कवर किया जाएगा। और आगे बढ़ते हम यहां पे, कहता है कि टूल्स एंड इक्विपमेंट, ये तो आपका प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में चला जाएगा। कहता है कि बैंक डिपॉजिट फॉर थ्री ईयर्स, हमेशा बैंक डिपॉजिट फॉर थ्री ईयर्स, यानी कि आपका नॉन करंट एसेट्स है जी, एंड नॉन करंट एसेट्स में कहां जाएगा? ये अदर्स के अंदर कवर किया जाएगा। सब कुछ मैंने समझाया हुआ है आपको, यहां पे बताया था। आगे बढ़िए, कहता है कि आपका फिर से फिक्स डिपॉजिट है विथ रेस्ट्रिक्शन फॉर विड्रॉल आफ्टर टू ईयर्स, सेम चीज वहीं पर जाएगा। चेक्स ड्राफ्ट, ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के अंदर चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर पाएंगे, क्वेश्चन नंबर 8, ये सारी बातें अब आपके दिमाग में बैठ जानी चाहिए और क्लियरिटी आएगी जब हम इनसे रिस्पेक्टिव इंडेक्स को देखेंगे। बट मुझे पता है कि 99% क्लियरिटी आपके दिमाग में आएगी यहाँ पे। 8 में कहता है कि स्टेट द मेजर हेड्स एंड सबहेड्स अंडर विच द फॉलोइंग आइटम्स विल अपीयर। कहता है कि रिसीवेबल्स अराइजिंग फ्रॉम एक्टिविटीज बीइंग कैरिड आउट ड्यूरिंग लीन पीरियड विच इज नॉट अ नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। कहता है कि आपने कोई रिसीवेबल्स है, लीन पीरियड बिजनेस में लीन पीरियड आया था, कोई भी आपका रिसीवेबल हो, ये आपका ट्रेड रिसीवेबल के अंदर चले जाएंगे। कहता है बी कैपिटल कमिटमेंट, मेरे बच्चे कैपिटल कमिटमेंट को बैलेंस शीट के बाद नीचे नोट्स में लिखा जाता है, नोट्स अकाउंट में। अभी आगे मैं इसका चर्चा करूंगा जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट को डिटेल में स्टडी करेंगे। कंटिजेंट लायबिलिटी भी नोट्स टू अकाउंट में जाएगा आपका। फोरफिटेड शेयर कैपिटल इक्विटी शेयर कैपिटल हेडिंग के अंदर चला जाएगा। रिजर्व कैपिटल, रिजर्व कैपिटल भी आपका नोट्स टू अकाउंट में आता है। रिजर्व कैपिटल मतलब कैपिटल का वो पार्ट जो अभी तक हमने कॉल नहीं किया, इसका डिटेल हमें बताना पड़ता है नोट्स टू अकाउंट में। कैपिटल रिजर्व अदर इक्विटी में चला गया। इंटरेस्ट एक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट लेना है, अगर इंटरेस्ट लेना है तो एसेट क्या करंट या नॉन करंट, करंट में फाइनेंशियल ये सर कैश में लेना है हमें यहाँ पे आएगा, तो कहाँ जाएगा? क्या इन्वेस्टमेंट है? नहीं, ये है नहीं, तो फिर कहाँ जाएगा आपका? लोन्स में नहीं, अदर्स में जाएगा। फिर इसका मतलब है ना बच्चे, जो भी हमें लेना है और ऊपर में कहीं क्लासिफाई नहीं हुआ, इसका मतलब क्या, वो अदर्स में कवर होगा, ये अदर्स में चले गए। उसी तरीके से आपका कहता है कि प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स, डिवेंचर्स के रिडम्पशन के टाइम पे प्रीमियम पे करना है, इट्स अ लॉन्ग टर्म कमिटमेंट आपका। तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स, एक तो लायबिलिटी में जी नॉन करंट लायबिलिटी, और ये कहाँ जाएगा? क्या ये बोरविंग्स है? नहीं सर, बोरविंग्स नहीं, बोरविंग तो जितना पैसा बोरो किया वो है। फिर कहाँ जाएगा? ये अदर फाइनेंशियल लायबिलिटी के अंदर में है ना बच्चे। रिडम्पशन के टाइम पे जो एक्स्ट्रा पेमेंट करना है वो तो हमने कर्ज लिया नहीं है, बोरिंग में तो एक्चुअल कर्ज दिखाया जाएगा, अदर फाइनेंशियल लायबिलिटी। इसके बाद और चेक कीजिए आपका कहता है, कहां थे हम लोग जी, कहां चला गया? हाँ, एच पॉइंट कहता है कि डिपॉजिट्स विथ इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी, मतलब हमने सिक्योरिटी डिपॉजिट्स दिया है, तो ये कमिटमेंट है लॉन्ग टर्म के बाद पैसा वापस लेने का। एसेट्स के अंदर आप आएंगे, सिक्योरिटी डिपॉजिट्स आपने दिया है, ये फाइनेंशियल एसेट्स और कहाँ कवर होगा जी? अदर्स के अंदर में, मैंने आपको बताया था सिक्योरिटी डिपॉजिट देना अदर्स में कवर किया जाएगा। आगे पढ़ेंगे माइनिंग राइट्स, ये आपका इनटेंजिबल एसेट्स है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, मेरे बच्चे ये आपके करंट एसेट्स के अंदर में, करंट एसेट्स के अंदर में फाइनेंशियल एसेट्स में जो ट्रेड रिसीवेबल है ना उसी में डेटर्स में से माइनस करते हुए दिखाते हैं। प्रेजेंटेशन कैसे किया जाएगा अभी डिस्कशन करना बाकी है, ठीक है ना। अभी हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एक्चुअली चेक कर रहे हैं कि कौन सा आइटम कहां पे रिकॉर्ड किया जाएगा। फिर पढ़ेंगे आप यहां पे लॉन्ग टर्म लोन फ्रॉम द डेटर्स, हमने डेटर से, कस्टमर से, डायरेक्टर से लॉन्ग टर्म लोन लिया है, मेरे बच्चे लोन हमने लिया है तो लायबिलिटी आपका है।
और ये जो आपका नॉन करंट लायबिलिटी लोन कौन सा बोरिंग चला जाएगा आपका, है ना, लॉन्ग टर्म आपने लिया है। अगर हमने शॉर्ट टर्म लोन लिया तो फिर कहाँ चला जाएगा, शॉर्ट टर्म बोरिंग्स में, यानी कि फाइनेंशियल लायबिलिटी आपका ये। अब समझो मेरी बात ना, इस तरीके से आइटम्स का ही क्लासिफिकेशन होगा। आप जरा आइए नाइन्थ क्वेश्चन देख लो, आप यहाँ पे नाइन्थ क्वेश्चन आपका कहता है कि बैलेंस ऑफ प्रॉफिट लॉस अकाउंट चेक करेंगे आप। यहाँ पे कहता है बैलेंस ऑफ प्रॉफिट लॉस अकाउंट, ये बैलेंस ऑफ प्रॉफिट लॉस अकाउंट मेरे बच्चे लॉस है, और हमारा इंडेक्स वन कहता है कि देखो जी अगर प्रॉफिट लॉस से आपको लॉस हुआ है तो उस लॉस को भी आपको अदर इक्विटी में एज नेगेटिव बैलेंस दिखाना है। बिल्कुल वही जो हम पहले पढ़ा करते थे। हम देखेंगे इसको कैसे आपका होगा जब बड़े बड़े क्वेश्चन करेंगे। बैंक ओवरड्राफ्ट शॉर्ट टर्म बोरिंग्स है, तो शॉर्ट टर्म बोरिंग्स यानी कि आपका करंट में फाइनेंशियल लायबिलिटी में बोरिंग्स के अंदर चला गया आपका। वर्क इन प्रोग्रेस कहता है कि मशीन का, मशीन आपका वर्क इन प्रोग्रेस है, इनकम्प्लीट आपका है, अभी हो रहा है, तो यानी कि आपका कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस यहाँ पे इसके अंदर दिखाया जाएगा। सर एक बात बताओ, क्या ये नाम जो आपने लिखा हुआ है ये इसी सीक्वेंस में लिखना है? मेरे बच्चे सीक्वेंस कंपल्सन नहीं है, आप चाहो तो चेंज कर सकते हो, लेकिन अगर आप अच्छी तैयारी करें, क्योंकि पूरे बुक में हमें यही सब पढ़ना है आपका इसी चीज को, तो आपने क्या करना है कि जितना सीक्वेंस याद हो जाए अच्छी बात है, और आप बड़े बच्चे हैं तो कोई दिक्कत होना भी नहीं चाहिए, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना मजा आएगा, ठीक है। डी में कहता है कि डेवलपमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर इन प्रोग्रेस, आपका इनटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट हो गया। फिर कहता है आपका यहाँ पे कहता है कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इनटेंजिबल एसेट्स, कैपिटल एडवांसेस पेड फॉर परचेज ऑफ मशीनरी, मशीन को परचेज करने के लिए हमने एडवांस दिया है मेरे बच्चे, एडवांस दिया है लॉन्ग टर्म के लिए, तो लॉन्ग टर्म यानी कि यहाँ पे देखेंगे हमने मशीन को परचेज के लिए दिया है, क्या ये आपका फाइनेंशियल एसेट्स है? नहीं, तो कहां जाएगा आपका अदर नॉन करंट एसेट्स, क्योंकि फाइनेंशियल एसेट्स का मतलब होता है जो जिसके बदले में कैश या फिर आपका दूसरे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट आपको रिसीव होने, तो यहां पे तो ऐसा नहीं है, ये तो हम मशीन लेंगे, यहां लिखा भी था मैंने आपका अदर नॉन करंट एसेट्स के अंदर में। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व आपका ये रिजर्व है, रिजर्व सरप्लस यानी कि अदर इक्विटी में चला गया। तो इन सारी बातों को मैंने आपको बताया कि किस नाम के अंदर में कौन सा जाएगा, अभी हम इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करेंगे। आप एक काम करना जरा, अब आ जाओ बिल्कुल स्टार्टिंग में इस इंडेक्स का, अब जरा देखते हैं कि हम कौन कौन सी बातें समझ गए और क्या क्या बातें अभी और समझना है, जल्दी से आ जा पाए इंडेक्स वन बिल्कुल स्टार्टिंग में।